अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए सिर्फ दो चीजें आपको याद करनी हैं। वो दो चीजें हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ 20 एलिमेंट्स। बस पीरियडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कर लीजिए तो आप फार्मूला मेकिंग तक का सफर आसानी से तय कर लेंगे। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस एंड नेचुरल साइंस। साइंस लातिनी जुबान साइंसिया से बना है, जिसका मतलब है नॉलेज। और आपको मालूम है कि नॉलेज बगैर ऑब्जर्वेशंस के, बगैर स्टडी के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं आती। यानी वो नॉलेज जिसे अकायर करने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत हो, उस नॉलेज को साइंस कहते हैं। और साइंस की तीन फंडामेंटल ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच नेचुरल साइंस है। आपका ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, ये पूरी यूनिवर्स है जो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है, इस पूरे यूनिवर्स की नॉलेज को नेचुरल साइंस कहते हैं। नंबर टू, अब आप आएंगे केमिस्ट्री। चूंकि आप जानते हैं कि ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड या पूरा यूनिवर्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो अगर आप सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और चेंजेस को स्टडी करते हैं, तो नेचुरल साइंस की इस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर आप मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन को, आपस में रिलेशन को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को, एनर्जी को और मैटर और एनर्जी के इंटरकन्वर्जन को स्टडी करते हैं, तो नेचुरल साइंस की दूसरी ब्रांच पैदा होती है जिसे फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल साइंस की याद रखिएगा, दो ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल साइंस और दूसरी है लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं और लिविंग साइंस में आप लाइफ को स्टडी करते हैं, तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चूंकि केमिस्ट्री में आप मैटर को स्टडी करते हैं, तो मैटर के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कोई ना कोई मास हो। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है? किसी भी चीज में मैटर की मिकदार है। वेट और मास में बड़ा फर्क होता है। द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ पार्टिकुलर मास इज कॉल्ड मैटर। हवा भी मैटर है, पानी भी मैटर है, पत्थर भी मैटर है, आपका मोबाइल भी मैटर है, आप खुद भी मैटर हो। तो किसी भी मैटर को जब आप स्टडी करते हो तो ये नेचुरल साइंस की ब्रांच कहलाती है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन आपने मैटर की चार चीजें स्टडी करना होती हैं। नंबर वन, मैटर की बनावट यानी कंपोजिशन कैसी है। नंबर टू, मैटर की साख्त यानी स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर थ्री, मैटर जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। और नंबर फोर है, मैटर में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो आप ज़हन में रखिएगा, मैटर को दो बुनियादों पर, दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन, मैटर की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, और नंबर टू, मैटर की केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। मैटर की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो हम मैटर की स्टेट्स देखते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से मैटर की तीन फंडामेंटल स्टेट्स हैं, बुनियादी, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्सिस्ट करती हैं। बकिया जो स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से तो तीन स्टेट्स हुई।
मैटर की केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से दो स्टेट्स होती हैं, या तो मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है। अगर मैटर प्योर है तो वो अगर मैटर प्योर है तो उस मैटर को आप या तो एलिमेंट कहेंगे या फिर आप उसे कंपाउंड कहेंगे। और याद रखिएगा, अगर मैटर प्योर है तो आप उसे या तो एलिमेंट कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे। जैसे कोयले का एक टुकड़ा एलिमेंट है, उसके सारे पार्टिकल कार्बन से मिलकर बने हैं। डायमंड का एक टुकड़ा भी एलिमेंट है और उसके सारे पार्टिकल भी कार्बन से मिलकर बने हैं। गोल्ड का एक टुकड़ा भी एलिमेंट है, उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं और सारे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर की जाए, फिजिकल तो आपने समझ ली, केमिकल क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो हम कहते हैं कि मैटर या तो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर मैटर है तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, और इम्प्योर मैटर है तो वो मिक्सचर कहलाएगा। यानी सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप कर दें और कोई नई चीज ना बने और वो अपनी आइडेंटिटीज रिप्रेजेंट करती रहें, तो दिस इज द मिक्सचर। मिक्सर की भी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, यानी यूनिफेज और मल्टीफेज। ये सारी मैं रिवीजन करवा चुका हूं, उसी की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब याद रखिएगा, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एटम कहलाता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है। एक ऑक्सीजन के साथ अगर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, और पानी का एक मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, कतरे से भी करोड़वां छोटा हिस्सा होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मिलकर वाजे नजर आते हैं और आपको पानी दिखाई देता है। पानी, व्हाट इज अ कंपाउंड। यहाँ आपने एटम का कॉन्सेप्ट सीखा, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंड न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम के बारे में सबसे पहले आज से तकरीबन 2540 यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले इंडियन शास्त्रों ने, वो पता नहीं कौन थे, एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया था, और उसके तकरीबन 2250 साल बाद यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 250 साल पहले 250 BC में डेमोक्रेट्स ने, जो यूनानी साइंटिस्ट था, उन्होंने एटम को एटमोस का नाम दिया। एटमोस मींस इंडिविजिबल, यानी ऐसा पार्टिकल जो मजीद डिवाइड ना हो। उन्होंने किसी भी सब्सटेंस को लेके तोड़ना शुरू किया, तोड़ते 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 उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स करते गए, हर पार्टिकल को फिर तोड़ा फिर तोड़ा फिर तोड़ा, और फिर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उनके पास आ गया उन्होंने उसको एटमोस का नाम दे दिया, क्योंकि वो उसे मजीद तोड़ नहीं सकते थे। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दिस इज जस्ट नॉलेज। अब याद रखिएगा, हमारे पास सबसे ज्यादा अहम टॉपिक यहां पर एलिमेंट है। एलिमेंट की हमें सिंबल्स याद करनी है, और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको दे रखी हैं तीन टेबल्स के लिहाज से। एलिमेंट के नाम के एब्रीवेशन को सिंबल कहते हैं, शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे आप हाइड्रोजन को H से जाहिर करते हैं, कार्बन को सी से जाहिर करते हैं, नाइट्रोजन को एन से जाहिर करते हैं, फ्लोरीन को एफ से जाहिर करते हैं, दीज आर सिंगल लेटर सिंबल्स। हीलियम को आप एच से जाहिर नहीं कर सकते, एच ई से। कैल्शियम को सी से जाहिर नहीं कर सकते, नियान को एन से जाहिर नहीं कर सकते, तो दीज आर डबल लेटर सिंबल्स। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो लातीनी जुबान में बहुत मशहूर हुई। याद रखिएगा, लैटिन पीरियड जो है ग्रीक पीरियड के बाद का है। ग्रीक पीरियड में एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव नहीं किया जाता था, इसलिए वहां पर सिर्फ आपको फिलॉसफी मिलेगी, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते।
लेटिन में, लेटिन पीरियड में आप एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और नए नए एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए। उस दौर में कुछ एलिमेंट्स के नाम लातीनी जुबान में इतने मशहूर हुए कि आज भी वो नाम उन्हीं नामों से उन्हें उन एलिमेंट्स को पुकारा जाता है और उनके सिंबल्स भी उसी के लिहाज से हैं। तो तीसरी कैटेगरी सिंबल्स की लैटिन नेम सिंबल्स हैं। जैसे सोडियम को वो नेट्रियम कहते थे, पोटासियम का असल नाम कैलियम था और गोल्ड का असल नाम ओरम था, सिल्वर का असल नाम अर्जेंटम था, चांदी। तो आपके पास ये सिंगल लेटर सिंबल्स हैं, ये डबल लेटर्स सिंबल्स हैं और ये लैटिन नेम सिंबल्स हैं। SLS सिंगल लेटर सिंबल्स, DLS डबल लेटर सिंबल्स और लैटिन नेम सिंबल्स। लेकिन आपको मैंने यहां कहा था कि आपने जो काम करना है वो पीरियाडिक टेबल से सिंबल्स याद करनी है और पीरियाडिक टेबल में भी आपने केयर करना है कि पहले 20 एलिमेंट्स की सिंबल्स याद कीजिएगा। और जब आप सिंबल्स याद करें तो एक और काम भी कर लीजिए, इनका इनका एटॉमिक नंबर यानी जेड भी याद कर लें और इनका एटॉमिक मास या मास नंबर यानी ए भी याद कर लें। जैसे आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर 9 लिखा है, नीचे 19 लिखा है, तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। पीरियडिक टेबल में आप सारे एलिमेंट्स के, जैसे आपको पता है कि क्लोरीन का यहाँ 17 लिखा है और यहाँ 35 लिखा है, तो 35 इज एटॉमिक मास एंड 17 इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। देखो बेटा, ये चीजें अगर आपको याद नहीं है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी क्लास फजूल अटेंड कर रहे हो। सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी आपने खुद पूरी करनी है वरना आपको केमिस्ट्री आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना है और वो भी 20 एलिमेंट्स का याद करना है। मैं तो कहता हूं कि आपको पीरियडिक टेबल में मोस्ट ऑफ पॉपुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए और ये 20 मिनट का काम है, 40 मिनट लग जाएंगे यार, मौत नहीं पड़नी चाहिए मेहनत करने में। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसे मैं रेड बॉक्स में कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये याद नहीं कर रखा तो आप टाइम वेस्टर हो। जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, हमें एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता चल जाता है, हम एटम का स्ट्रक्चर बनाने के काबिल हो जाते हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं तो आप कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है, इस में न्यूट्रॉन कितने हैं तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देती हो, आपके पास 19 न्यूट्रॉन आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बोलेंगे जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपके पास इस तरह से, अगर देखिए, अगर फर्ज कीजिए आपके पास बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास कार्बन 9 है, और अगर आपसे कह रहे हैं कि इसके प्रोटॉन कितने हैं तो आप कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है, और एटॉमिक मास में से ये माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन थे। सबसे अहम चीज इलेक्ट्रॉनों की तादाद का इल्म होना है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। थैंक यू।
और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 11। जिन्हें इल्म है, जिन्होंने याद कर रखा है, वो करेक्शन कर सकते हैं, और जो भोंदूमल क्लास में बैठे हुए सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने याद नहीं किया था, वो करेक्शन करने के काबिल नहीं है। समझ आ गई आपको बात? पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करने का, याद करने का, फाइंडिंग याद करने का आपको जो फायदा है, कि आप एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद मालूम करके बता सकते हैं। क्लोरीन का ये के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स किसके हैं? बोरोन के। आप हर एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल्स बता सकते हैं। ये मिटा रहा हूं। इसके बाद आपको फायदा क्या होगा कि आप नंबर 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर सीख सकेंगे, एटम का स्ट्रक्चर बनाना सीख सकेंगे, और आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाने में याद होगा कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस इसलिए पॉजिटिव होता है कि उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटॉन को एक दूसरे से रिपेल होने से बचाने के लिए उनके दरमियान न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब बोरोन का ही जिक्र कर लेते हैं। इसके पास 5 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। जाहिर है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और रूल है कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसका नाम रखा गया था के शेल। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आप रख ही नहीं सकते। हम कहते हैं इसकी ड्यूप्लेट स्टेट कितनी है? 2। ड्यूप्लेट रूल है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं हो सकते, इस स्टेट को ड्यूप्लेट स्टेट कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इससे अगला जो शेल है वो एल शेल है। अल्फाबेटिकली दायरे जरा टेढ़े मेढ़े बनाता हूं, एल शेल है, और आपको पता है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, के शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, तो ये आपने क्या करना है, इसके एल शेल में आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाल देने। इससे फायदा ये होगा कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का सिस्टम सीख सकेंगे। आप कहेंगे कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ बोरोन। अच्छा, अगर आप सोडियम की बात करते हैं या क्लोरीन की बात करते हैं, जो मैंने साइट पर लिखा है, तो आप पहले उसका सेंट्रल पार्ट बनाते हैं और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं। प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है। ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दिस इज ड्यूप्लेट रूल। इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बकिया तमाम शेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बोहर के फार्मूले से हटके है। तो याद रखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आपने पेयर फॉर्म में बनाने हैं, एंड दिस पेयर इज कॉल्ड द पेयर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। दिस पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। 17 इलेक्ट्रॉन में से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एल शेल में 8 हो गए, टोटल ये 10 हो गए, 2+8=10। बकिया 17 में से 10 माइनस कर दीजिए, 7 हुए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ अगले शेल में डालने हैं। इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना के, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए, और इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एल एम एन शेल्स में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये मैंने बनाया है बोरोन।
ये मैंने बनाया है क्लोरीन। के शेल के बाद जितने भी शेल हैं उनमें याद रखिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टा का मतलब है 8, लातिनी जुबान का लफ्ज। ऑक्टा स्टेट, ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टेट स्टेट जो है वो 8 होती है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आराम से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 हैं और एम में 7 हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन। इसका आपको फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप बता सकते हो कि ये वैलेंस शेल कौन सा है, आखिरी शेल जो नामुकम्मल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस नंबर आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए या आखिरी शेल खाली करने के लिए ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 15 आप इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे। वैलेंसी, वैलेंसी इज द चार्ज ऑन एटम आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर 16, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो याद रखिएगा उसके प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में उतने ही थे जितने हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अंदर प्रोटॉन उतने ही रहेंगे यानी ज्यादा रहेंगे। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले ले तो बाहर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाएगी, अंदर प्रोटॉन तो उतने ही थे। इसलिए जब एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तो एटम पर चार्ज आ जाता है, इस चार्ज को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी को वैसे डिफाइन करें तो कहा जाता है कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद एन अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ मिलने की पावर को वैलेंसी कहते हैं। जब याद रखिएगा एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले उस पर चार्ज आ जाता है, ऐसी सूरत में उसके इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर नहीं रहती, इसलिए वो एटम नहीं रहता, आप उसे आयन कहते हैं और आयन को रेडिकल भी कहा जाता है। रेडिकल, तो आप रेडिकल बनाना भी सीख लेंगे, आप रेडिकल फार्मूला भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोरोन को देखूं और क्लोरीन को देखूं तो बोरोन का सेकेंड शेल जो नामुकम्मल है उसका नाम आप जानते हैं एल शेल है, और क्लोरीन का सेकेंड शेल कंप्लीट है लेकिन थर्ड शेल नामुकम्मल है और आपके पास इसका वैलेंस शेल जो आता है एम है। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा कि कोई भी एटम अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। बोरोन जो है ऑक्टेट स्टेट अचीव नहीं करना चाहता, ये ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करना चाहता है, क्योंकि अगर ये अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव करना चाहे तो इसको क्या करना होगा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लेना होंगे ताकि यहाँ पर 3+5 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। और एक प्रिंसिपल है कि कोई एटम भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना लेता है ना देता है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। जिसको जिसको भी देगा जाहिर वो कोई बकरा नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, वो एटम ही हो सकता है, ये एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसका जो वैलेंस नंबर है वो 3 आएगा,
और क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन अटैच करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आप गौर कीजिएगा कि जिस एटम के आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर सेम होता है, और जिस एटम के आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। चुनांचे याद रखिएगा, अगर बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस पर जो 4 जाएगा +3, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 4 जाएगा -1। बोरोन का रेडिकल फार्मूला क्या होगा? B+3, और क्लोरीन का रेडिकल फार्मूला होगा Cl-1। आप दो दो एटम पकड़िए, और जो मैंने आज क्लास ली है पूरी क्लास दो दो एटम पकड़िए, दो दो एलिमेंट पकड़िए और इस तरह से खुद अपना एक लेक्चर बनाइए। एक एल्युमिनियम ले लीजिए, दूसरा फ्लोरीन ले लीजिए, एक वो लीजिए जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और एक वो ले लीजिए जिसके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये आपने अकल इस्तेमाल करके इस तरह की एग्जांपल्स खुद करनी है, और ये जाहिर है आपके पास 20 पीरियडिक टेबल में 20 एलिमेंट्स हैं, तो आपको पेयर बनाने हैं 10-10 के। एक वो जिसमें आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक वो जिसके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ये जरूर बनाने हैं, क्योंकि आपने यहाँ सीखना है रेडिकल फार्मूला, जिसकी कल मैंने क्लास बड़ी डिटेल में लेनी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो दिस एटीट्यूड इज पॉजिटिव एटीट्यूड, और याद रखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड पर इज्जत मिलती है। अब बोरोन का नाम बदलेगा नहीं, बोरोन रेडिकल बनने के बावजूद आप इसे बोरोन आयन तो कह सकते हैं या सिंपली बोरोन कह दीजिए। आपने नंबर 17 नेम ऑफ रेडिकल सोचना है, ये बोरोन आयन कहलाएगा और इसको क्लोराइड कहेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके नाम के आखिर में IDE कर देते हैं, जिसे फ्लोरीन फ्लोराइड बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाएगा। इस ओके, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव या पॉजिटिव ये जो चार्ज होता है इस चार्ज को वैलेंसी का नाम दिया जाता है, और चार्ज समेत सिंबल जो लिखी जाती है वो एटम नहीं होती, वो क्या होती है? रेडिकल फार्मूला। और याद रखिएगा पॉजिटिव रेडिकल का नाम चेंज नहीं होता। नंबर 18 टाइप ऑफ रेडिकल, तो पॉजिटिव टाइप को हम कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव टाइप को हम कहते हैं एनाइन। एनाइन का नाम चेंज हो जाता है, कैटाइन का नाम चेंज नहीं होता। कैटाइन क्या है? पॉजिटिव रेडिकल, और एनाइन क्या है? नेगेटिव रेडिकल। इस तरह आपने 20 एलिमेंट्स के रेडिकल बनाने हैं, जैसे मैंने आज आपको रिवीजन कराई है फ्रॉम द बिगनिंग टू हियर। कर सकती हो बेटा जी, अल्लाह हाफिज। मैंने आपको पिछले पीरियड में होमवर्क दिया था कि आपने दो दो एलिमेंट्स के रेडिकल्स बनाने हैं। कोशिश ये करनी है कि एक पॉजिटिव रेडिकल हो और एक नेगेटिव रेडिकल, एक एटाइन हो और दूसरा एनाइन हो। बेटे याद रखिएगा कि पीरियडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको अगर याद हैं तो आप ना सिर्फ वैलेंसी फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे बल्कि रेडिकल फार्मूला बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। और अगर रेडिकल फार्मूला आपने समझ लिया तो फिर आपको मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूल कैसे बनाए जाते हैं, और मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया तो आपको कंपाउंड्स के फार्मूले
केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स आराम से बनाना आ जाएंगे, आप रट्टे से निजात हासिल कर लोगे। तो बेटा आपको शॉर्ट वे में पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर किया जाता है और एटॉमिक मास को ए से जाहिर किया जाता है। और आपको यह भी पता है कि किसी का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके उतने ही प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद 38 से ज्यादा है, यानी एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट उसे कहते हैं जिससे छोटा कोई और ना हो। तो एटम के अंदर भी 38 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं जो जाहिर एटम से छोटे हैं। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर आपको याद है, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों की तादाद को जाहिर करता है। एटॉमिक नंबर क्या है? रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। अगर किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो वो वाकई एटम है, लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हैं तो उसे एटम नहीं बल्कि आयन कहते हैं। ये बेसिक्स हम सीख चुके हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका है कि आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। तो याद रखिएगा एटॉमिक मास जो है जिसे ए से जाहिर किया जाता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास नंबर और एटॉमिक मास। अब सोचिए अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो एटॉमिक मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो आप इसकी जगह z लिख सकते हैं। अब ये z अगर इधर आ जाए तो a माइनस z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का ये जो फार्मूला है इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मालूम हो जाएंगे। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। यहां याद रखिएगा वैलेंसी मालूम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसका मालूम होना है, और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर देखकर आप फौरन बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर देखकर आप फौरन बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो याद रखिएगा कि हम एटम को जब बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लिखते हैं और बाहर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरह हम बता सकते हैं कि इसके के शेल में, इसको के शेल कहते हैं, पहला शेल, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और याद रखिएगा के शेल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस रूल को ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। और ये अपनी ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले भी सकता है और अपने ड्यूप्लेट स्टेट को खत्म करने के लिए किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके प्रोटॉन तो एक ही है, इसका प्रोटॉन तो एक ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो हो गए, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज एक है और नेगेटिव चार्ज दो हो गए। इस तरह इस पर नेट चार्ज जो आया वो माइनस टू आया। दिस नेट चार्ज इज कॉल्ड वैलेंसी। याद रखिएगा इस शेल को हम बैलेंस शेल कहते हैं, इस शेल को हम बैलेंस शेल कहते हैं। बैलेंस शेल किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल होता है, और यहां बैलेंस शेल के है और इस
शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए ना काफी है, चुनांचे ये या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लेता है या देता है ये इसका वैलेंस नंबर कहलाता है। वैलेंसी को मैंने बताया था कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद एनी अदर एटम होती है, और कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो पावर रखता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखता है। जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसकी कंबाइनिंग पावर कम होती है। जो दो इलेक्ट्रॉन देगा या दो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी कंबाइनिंग पावर जाहिर है उससे ज्यादा होगी, और जो तीन इलेक्ट्रॉन देगा या तीन इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी कंबाइनिंग पावर जो है वो प्लस थ्री या माइनस थ्री होगी। तो याद रखिएगा जो चार इलेक्ट्रॉन देगा या चार इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी वैलेंसी या तो प्लस फोर होगी देने की वजह से या माइनस फोर होगी लेने की वजह से, और उसकी कंबाइनिंग पावर जाहिर है उससे भी ज्यादा होगी। तो यहां ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, इसकी वैलेंसी प्लस वन भी हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, इसकी वैलेंसी माइनस वन हो सकती है। जाहिर है किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये शेल ही नहीं रहेगा, शेल तो रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास बिल्कुल नहीं होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस वन है और नेगेटिव चार्ज जीरो है, तो नेट चार्ज इसका प्लस वन होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऐसी सूरत में इसके पास प्रोटॉन तो एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे और इसका नेट चार्ज है वो माइनस वन हो जाएगा। ये जो चार्ज आता है किसी एटम पर उसे आयन बनाने के लिए आता है, और आयन बनने के बाद उसे आयन भी कह सकते हैं, रेडिकल भी कह सकते हैं। चुनांचे इसका जो रेडिकल फार्मूला होगा वो होगा एच प्लस वन भी और H माइनस वन भी। अगर इसका रेडिकल फार्मूला H प्लस वन है तो इसका जो नाम होगा नेम ऑफ रेडिकल, नेम ऑफ रेडिकल जो है वो याद रखिएगा, अगर H प्लस वन होगा तो इसे सिर्फ हाइड्रोजन ही बोलेंगे, और अगर इस पर चार्ज माइनस वन आ गया तो इस आयन को हम हाइड्राइड बोलेंगे। पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं, ये कैटाइन कहलाएगा, और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। इस तरह आपने हाइड्रोजन के दो रेडिकल फार्मूले बना लिए हैं। मैंने आपसे कहा था एक पॉजिटिव रेडिकल बनाना है, एक नेगेटिव रेडिकल बनाना। अब आप अपनी मर्जी से पहले 20 एलिमेंट से कोई भी और चूज कीजिए। जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया 8 और 16, आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास नंबर 16 है, इसमें प्रोटॉन्स 8 होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे। प्रोटॉन 8 क्यों होंगे याद रखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, और ये भी याद रखिएगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला है ए माइनस जेड, इसका ए 16 है और जेड जो है वो 8 है, इस तरह इसके न्यूट्रॉन आपको मालूम हो गए। ये आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइंड किए हैं। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप जानते हैं इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही न्यूट्रॉन हैं। टोटल कर लीजिए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। तो 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, मास नंबर कितना था 16। आपने यहां इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, एल शेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन डालिए,
और बकिया जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर बना के डालिए, एक पेयर इसके साथ कर दीजिए, एक पेयर इसके साथ कर दीजिएगा, इस पेयर को लोन पेयर कहते हैं। ये इसका आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉनों की तकसीम देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो आप कहेंगे इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2-6 भी कह सकते हैं, 2-6, समझने वाले को समझ आ जाएगा कि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे कहानी शुरू होती है। आप कहेंगे कि इसका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन होता है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। प्रिंसिपल है कि इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस रूल को ऑक्टेट रूल कहा जाता है, ऑक्टा से निकला है ये। तो ऑक्टेट रूल है कि के शेल के अलावा बकिया तमाम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। के शेल में दोनों इलेक्ट्रॉनों का पेयर नहीं बनाना। तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी डेफिशिएंसी, अपनी कमी दूर करने के लिए किसी और एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो इसका क्या होगा? वैलेंस नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो इसका वैलेंस नंबर होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर सेम होता है, लेकिन जिसके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर सेम नहीं होता। 4 से ज्यादा हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर सेम नहीं होता। अब जाहिर है ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। इस तरह से ये सिर्फ एक ही किस्म का रेडिकल बनाएगा और वो होगा O-2। क्योंकि ये नेगेटिव रेडिकल बना रहा है, नेगेटिव रेडिकल को एनाइन कहते हैं, लिहाजा इसके एनाइन होने की वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा और वो होगा ऑक्साइड। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो भीख मंगों का नाम बदल दिया जाता है। याद रखिएगा, दिस इज एनाइन, एनाइन का नाम चेंज कर दिया जाता है। चलिए नाइट्रोजन देख लेते हैं, चलिए लिथियम देख लेते हैं। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मास नंबर 7 है, इसमें 3 प्रोटॉन हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और 7 में से 3 निकल जाए तो इसमें 4 न्यूट्रॉन है, यानी इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। दिखा दीजिए 3+4 कितना होता है? मास नंबर के बराबर होता है। और आपने करना क्या है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। के शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, एल शेल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो जाहिर है एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस स्टेट को, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने वाली स्टेट को ऑक्टेट स्टेट कहा जाता है। चुनांचे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K2L1 है, आपसे 2-1 लिख दीजिए। इसका वैलेंस शेल एल शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। याद रखिएगा, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो देगा, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो लेगा। इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस नंबर बराबर हो जाएगा। आखिरी शेल को, जो आउटर मोस्ट शेल को जो इनकम्प्लीट होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, और आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब एटम अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, आखिरी शेल को खत्म करने के लिए वो वैलेंस नंबर कहलाता है। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छी बात है, इसलिए इसकी वैलेंसी +1 होगी। इसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है? 1। इस तरह आप इसका जो रेडिकल फार्मूला बनाएंगे वो क्या होगा? Li+1। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, नेचर भी चेंज हो गई, ये कैटाइन होगा, कैटाइन, और
इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसे आप सिर्फ लिथियम कह सकते हैं या इज्जत की खातिर मां बदौलत लिथियम आयन कह सकते हैं। मजाक कर रहा हूं। बेरिलियम, बेरिलियम देखिए ये तो अब आपके दाएं हाथ का खेल होना चाहिए। बेरिलियम 4-9, बोरोन 5-11, हीलियम 2-4। आइए मैं हीलियम की बात कर लेता हूं। Z2 है, A4 है, दो प्रोटॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो ही न्यूट्रॉन हैं। यहां आपने 2+2 कर देना है और आपको पता है कि अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन थे जो के शेल में आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K2। इसका वैलेंस शेल क्या है, डेफिनेशन द आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो देखो बेटा जी, इसका आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल तो कोई है ही नहीं, तो इसका वैलेंस शेल कुछ नहीं, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, इसका वैलेंस नंबर कुछ नहीं, इसकी वैलेंसी जीरो है, ना लेगा ना देगा इलेक्ट्रॉन। इसका रेडिकल फार्मूला नहीं बनेगा, ये इंडिपेंडेंट रहता है, इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये किसी एटम के साथ नहीं मिलता, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बड़ा खड़ूस होता है, खड़ूस हंसता भी नहीं है। इसका कोई भी रेडिकल फार्मूला नहीं है। बोरोन को देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, प्रोटॉन कितने हुए, 5 हुए, इलेक्ट्रॉन 5 हुए, 11-5, 6। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 5, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं आप जानते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L3 है, क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो लेगा। तो ये इसका वैलेंस शेल क्या है, एल शेल है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। इसका रेडिकल फार्मूला क्या होगा, बोरोन +3, और इसके रेडिकल का नाम क्या होगा, B+3, नाम क्या होगा, बोरोन आयन या सिंपली बोरोन, क्योंकि ये क्या है, ये कैटाइन है। आइए जरा नाइट्रोजन साहब को देखते हैं, नाइट्रोजन 7-14। आप जानते हैं कि देखो ये मैं पहले मिटा देता हूं अपनी उंगली से ही, खाली जगह पूर कीजिए। ये देखो, अगर आप जरा से समझदार हो, प्रैक्टिस पर बिलीव करते हो, तो आप बड़े आराम से ये कर लोगे। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मास नंबर 14 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 प्रोटॉन हैं और 7 ही न्यूट्रॉन हैं। K2L5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आपको पता है दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेयर ये बना दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7-7। मास नंबर इसका 14, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। वैलेंस शेल इसका स्टिल कौन सा है, एल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, दे नहीं सकता, ले सकता है, कितने लेगा, 3। देखे इसके साथ पेयर बनाने के लिए, इसके साथ पेयर बनाने के लिए, इसके साथ दोस्ती करने के लिए। तो आप गौर कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर दोनों सेम नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट, और कंबाइनिंग पावर का मतलब है कि एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन देगा तब भी उसके साथ, जिसको देगा उसके साथ जुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जिससे लेगा तब भी उसके साथ
जुड़ेगा। तो इसका रेडिकल फार्मूला हुआ n माइनस थ्री। अब याद रखिएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है और ये वैलेंसी है। हम ये शो नहीं करेंगे, हम ये शो नहीं करेंगे, कर लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। नेम ऑफ रेडिकल, अब जाहिर है ये नेचर ऑफ रेडिकल क्या है, केटाइन। नेम ऑफ रेडिकल क्या है, नाइट्राइड। नाम बदल दीजिए। आइए जरा फ्लोरीन साहब को चेक करते हैं। मैं ये डिब्बे चेंज कर रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप नोट कर रहे हो बड़ी तेजी के साथ। चलिए फ्लोरीन करते हैं, F919। अगर आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद हैं, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जिसको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास और सिंबल्स याद हैं वो बड़ा खुशकिस्मत है, वरना यार बड़ा वाह याद है, सब कर सकता है। देखिए ये मैं मिटा रहा हूं, आपको तो लिखना पड़ता है, मैं तो अपनी उंगली से इसे मिटा देता हूं। देखिए मैंने इसको मिटा दिया, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन 9 है, और ये 19 माइनस 9 न्यूट्रॉन 10 है। यहां पर प्रोटॉन 9 डाल दीजिए और न्यूट्रॉन 10 डाल दीजिए। वैलेंसी मालूम करने के लिए न्यूट्रॉन मालूम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं, फिर एक बार फिर बता दूंगा। इसके पास याद रखिएगा, इसके पास पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपस एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन की किसी एटम से जरूरत है, ये किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता है, उसके साथ शेयरिंग भी कर सकता है, लेकिन ये बड़ा बेवफा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ये बेवफा है। एल शेल वैलेंस शेल हुआ, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी -1 होगी, और इस तरह इसका रेडिकल फार्मूला F-1 होगा, इसका नाम होगा फ्लोराइड। आपने देखा दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है फ्लोराइड, और ये एनाइन है इसलिए तो इसका नाम चेंज किया था। आइए सोडियम देखते हैं, 1123, और हमें करना क्या है, सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये करना है। मेरी उंगली काली हो गई थी ये करते करते, हमें ये करना है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 23 माइनस 11 यानी 12 न्यूट्रॉन है, और आप जानते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एक और शेल खुला खुला बना दीजिएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा K2L8M1। इसका वैलेंस शेल अब M होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, वैलेंसी +1 होगी। इसका फार्मूला होगा रेडिकल फार्मूला सोडियम +1, और नेम क्या होगा, जस्ट सोडियम या सोडियम आयन, जो दिल चाहे, और नेचर ऑफ रेडिकल क्या होगी, केटाइन। आइए अब हम क्लोरीन साहब को चेक करते हैं, 1735। तो आपने ये मिटाना है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आपने ये मिटाना है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 35 माइनस 17, 18 न्यूट्रॉन। यहां पर आपने 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन करने हैं, और इनको तकसीम करना है इलेक्ट्रॉनों में, और जुबानी भी कर सकते हो, दिमाग इस्तेमाल कर लो। के शेल में 2 रखे, एल में 8 रखे, एम में 7 रखे, तो आपके पास ये 7 हो गया। अब पेयर बनाते जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है,
यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये छह हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये क्या हो गया, 2+8+7। ये जरा सा डिम नजर आ रहा होगा, इसी में डार्क भी करूं तो कैमरे की खराबी की वजह से डिम है। तो इसका वैलेंस शेल के भी नहीं है, एल भी नहीं है, कौन सा आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल है, एम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये वैलेंसी -1 हो जाएगी। और याद रखिएगा, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हैं, यानी प्रोटॉन कम रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये एटम नहीं होगा, इसको आप आयन कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। और इसका रेडिकल फार्मूला क्या होगा, Cl-1, और इसका नाम चेंज हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि ये एनाइन है, हर एनाइन का नाम चेंज हो जाता है, उसके पुराने नाम के कुछ लेटर्स आखिर वाले हटा के IDE लगा दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्साइड। चलिए कैल्शियम की बात कर लेते हैं, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स और 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन्स। आपने यहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर देने हैं, 20 20 20 20। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, तो ये 18 हो गए। और इसके बाद एक और शेल बनेगा, उस शेल का नाम रख दीजिएगा एन शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये एक ये, जहां दिल चाहे अलग अलग बनाइए, पेयर में मत बनाइएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये होगा, और आप इसे 2882 भी लिख सकते हैं। दिमाग में रखिएगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पहले 20 एलिमेंट्स का आता हो तो आप बड़ी आसानी के साथ वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं और रेडिकल फार्मूला भी बना सकते हैं। और जिन्हें रेडिकल फार्मूला बनाना आ गया, याद रखिएगा, उसके लिए आगे फार्मूले बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर कैल्शियम साहब को देखता हूं, तो कैल्शियम का वैलेंस शेल ना के है, ना एल है, ना एम है, ना एन है, नो एन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों दे देगा, वैलेंसी +2 हो जाएगी, रेडिकल फार्मूला Ca+2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नेम ऑफ रेडिकल इसका कैल्शियम आयन होगा, सिर्फ कैल्शियम भी बोल दो काफी है। और ये एनाइन नहीं है, ये कैटाइन है, याद रखिएगा, पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। दिमाग में बिठा दिया या नहीं? और प्रैक्टिस करो, कोई मसला नहीं है, और कराओ बेटा। एल्युमिनियम देख ले, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, और मास नंबर कितना है, 27। तो 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, 14। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हो, पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस, फिर के शेल, फिर एल शेल, जरूरत पड़े तो एम भी बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 10 हो गए, और आखिरी शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2L8M3। और इसके बाद आपने इसकी वैलेंसी भी फाइंड करनी है, रेडिकल फार्मूला भी बनाना है, दिस इज KLM M, वैलेंस शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों देगा, वैलेंसी +3 हो जाएगी, रेडिकल फार्मूला का एल्युमिनियम +3।
और नीम ऑफ रेडिकल होगा बस एल्यूमिनियम रेडिकल। और ये टाइप कौन सी है आप जानते हैं, ये कैटाइन है, देने वाला एनाइन लेने वाला। आइए फास्फोरस को चेक कर लेते हैं। फास्फोरस को, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होगा 15 31। 15 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 31 माइनस 15 16 न्यूट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी, के में 2 डालने हैं, एल में 8 और एम में 5। इसमें 5 करने हैं, 3 पहले से ही थे, मैंने 5 कर दिए। गौर कीजिएगा अब मैं न्यूक्लियस को लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि वैलेंसी या रेडिकल बनाने के लिए सिर्फ आपका ताल्लुक किससे होता है, वैलेंस शेल से होता है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद से होता है। ये ज्यादा अहम है, याद रखिएगा, ये ज्यादा अहम है। नतीजा यही निकला। तो यहां अब हम आते हैं, जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, भिकमंगा है, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि इसे इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल जिसका नाम एम है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 4 से ज्यादा होते हैं तो लेने वाला बन जाता है, जब 4 से कम होते हैं तो देने वाला बन जाता है। चुनांचे इसका वैलेंस नंबर क्या होगा, 3। इसकी वैलेंसी -3 होगी। और फास्फोरस का फार्मूला होगा P-3। और इसका नाम आप मुझे बताइए, फास्फोरस का नाम क्या होगा? फास्फोरस का नाम होगा बेटा जी फास्फाइड। नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि ये एनाइन बन गया। जो भी एनाइन बनेगा उसके नाम के आखिर में आइड लग जाएगा, आइड। आइए जरा कार्बन साहब को भी देखते हैं। कार्बन 6 12, और कितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों? सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, कार्बन को देखिए, 6 12, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन। अब आप जानते हैं कि आपको इसका जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए करना क्या है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में जनाब कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप जानते हैं, K2L4। वैलेंस शेल एल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब ज़हन में रखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। चुनांचे ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, दिस इज वैलेंस नंबर। इसकी मर्जी है ये +4 करे या -4 करे। इसको क्या करेंगे, +4 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं। तो रेडिकल फार्मूले इसके 2 होंगे, कार्बन +4 और कार्बन -4। चुनांचे इसके नाम याद रखिएगा, नाम अगर आपने C+4 लिखा तो ये सिर्फ कार्बन आयन कहलाएगा, आप इसे सिर्फ कार्बन भी लिख सकते हैं। और अगर आपने C-4 लिया तो इसको कार्बन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बाइड। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो था वो हाइड्राइड था, और हाइड्रोजन भी था, कार्बन बिल्कुल इसी तरह से। सिलिकॉन के साथ भी ऐसा ही रवैया रखना है आपने, वो सिलिकॉन +4 भी होगा, सिलिकॉन -4 भी होगा। इसकी नेचर क्या है याद रखिएगा, ये कैटाइन भी है, क्यों, C+4 था। ये एनाइन भी है, क्यों, C-4 भी था। पोटासियम का खुद कर लीजिएगा, काफी प्रैक्टिस है बेटा जी।
तो आज हमने रेडिकल फार्मूला बनाने की भरपूर प्रैक्टिस की और आपने समझ लिया कि आपकी नॉलेज का दारोमदार आपकी थोड़ी सी एफर्ट पर है, और वो थोड़ी सी एफर्ट बहुत मामूली है, और वो गैर जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं करते। इस वजह से केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, और वो क्या है, जितना पॉसिबल हो सके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कीजिए, क्योंकि उसी की मदद से आपको सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन का पता चलता है। वैलेंस शेल कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, वैलेंस नंबर कौन है, वैलेंसी कैसे निकालेंगे, रेडिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, और जिसको रेडिकल फार्मूला बनाना आ गया उसने एटम को एटम से जोड़ के मॉलिक्यूल बना दिया, क्योंकि आप जानते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ कुछ खड़ूस एटम हैं जो किसी से मिलना नहीं चाहते, और वो कौन कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं पड़ता, चुनांचे इनको नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, इनकी वैलेंसी 0, किसी से मिलते नहीं हैं, ये वन मैन आर्मी की तरह होते हैं, किसी से नहीं मिलना, पार्टी में ऐसे ही फारिग बैठे होते हैं, किसी के साथ पेयर नहीं बनाते। चुनाचे याद रखिएगा कि ये किसी के साथ मिलते नहीं है तो मॉलिक्यूल भी नहीं बनता, इसलिए इन एटमों को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इन एटम्स को कहते क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ज़हन में रखिएगा, कोई एटम अपने जैसे एटम के साथ मिलेगा तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन एक जैसे एटम आपस में मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा क्या कहलाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर डिफरेंट एटम आपस में मिलेंगे तो मेरे बच्चों को ये कहलाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें, तीन तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, बट इस मॉलिक्यूल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स इज अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की तीन टाइप्स होती हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब होता है वन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, और ये खड़ूस एटम कौन से होते हैं जो किसी से नहीं मिलते, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान भी होता है, इन्हीं के ग्रुप में जितने भी हैं ये सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये 8A ग्रुप कहलाता है पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल देखिएगा जरूर। दूसरी तरह के मॉलिक्यूल तकरीबन 7 हैं, इन्हें कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने एटमों के साथ, अपने जैसे एटमों के साथ मिलना पसंद करते हैं, जैसे औरों के साथ भी मिलते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा, क्लोरीन क्लोरीन से मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन से मिलेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन से मिलेगा, आयोडीन आयोडीन से मिलेगा। 8A ग्रुप वाले क्या हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं। और 7 ऐसे एटम हैं जो औरों के साथ तो मिलते हैं, अपने साथ लाजमी मिलते हैं, इन्हें कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक जैसे एटमों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल उसे कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, H2O पानी का मॉलिक्यूल है, NaCl सोडियम क्लोराइड आप जो साल्ट खाते हो उसका मॉलिक्यूल है, HCl और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, बेतहाशा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट पीरियड हमारा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आज हमारा टॉपिक है रेडिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। हमने अब तक जो सीखा है वो है एलिमेंट्स,
उनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर की मदद से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना सीखी, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर और वैलेंसी सीखी और फाइनली हमने रेडिकल फार्मूले बनाना सीखे। तो बेटा रेडिकल क्या होता है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई चार्ज आ जाए रेडिकल कहलाता है। द एटम, नोट कीजिएगा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। आम जुबान में आप इसको आयन भी कहते हैं। याद रखिएगा चार्ज के लिहाज से रेडिकल की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन कैटाइन, कैटाइन ऐसा रेडिकल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और नंबर टू एनाइन, द रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। रेडिकल की दो फर्दर टाइप्स होती हैं, एक है सिंपल रेडिकल और दूसरा है कंपाउंड रेडिकल। याद रखिएगा कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो हैं वो रेडिकल नहीं बनाती। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट्स या नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, इसलिए ये तमाम एलिमेंट्स रेडिकल नहीं बनाते। आपको रेडिकल बनाना मैंने सिखा रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दिस इज जेड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K1 है, चुनांचे अपने K शेल को खाली करने के लिए या K शेल को कंप्लीट करने के लिए, ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करने के लिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये H+1 रेडिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो H-1 रेडिकल है। H+1 होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन, लेकिन H-1 को आप हाइड्राइड बोलेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Z इसका 3 है, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K2L1 है, और अल्टीमेटली याद रखेगा कि K शेल जो है इसका मुकम्मल है, लेकिन L शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये लिथियम आयन हो जाएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह नाइट्रोजन का जो चार्ज होगा वो -3 होगा, इस चार्ज को वैलेंसी बोलते हैं, चुनांचे ये नाइट्राइड कहलाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जाहिर है L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो C4 हो जाएगा, C+4, और 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो C-4 भी हो सकता है। आप इसे C4+ भी कह सकते हैं, C4- भी कह सकते हैं, आपकी किताब में इसी तरह से मेंशन है। ये कार्बन आयन है और ये कार्बाइड है। सोडियम को देख लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर है ये M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, चुनांचे सोडियम का चार्ज +1 हो जाएगा, ये सोडियम आयन कहलाएगा। दिस इज पॉजिटिव रेडिकल एंड दिस इज कैटाइन। हाइड्रोजन कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, नाइट्रोजन होता ही एनाइन है, कार्बन कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। तो हमारे पास याद रखिएगा, पहली टाइप है कैटाइन्स,
आपको ये लिस्ट याद करनी है जो मैं आपको आज लिखवा रहा हूं। केटाइंस आपके पास हैं, देखिए H प्लस वन केटाइन है, इसे आप हाइड्रोजन आयन कहेंगे। Li प्लस वन, इसे आप लिथियम आयन कहेंगे, लिखते जाइएगा नाम। Na प्लस वन, आप इसे सोडियम आयन कहेंगे। K प्लस वन या वन प्लस, इसे आप पोटासियम आयन कहेंगे। Be प्लस टू, इसे आप बेरिलियम आयन कहेंगे। आप नोट कर रहे होंगे यकीनन। Mg प्लस टू, आप इसे मैग्नीशियम आयन कहेंगे। Ca प्लस टू, आप इसे कैल्शियम आयन कहेंगे। आगे लिखेगा कैल्शियम आयन। Ba प्लस टू, इसे आप बेरियम आयन कहेंगे। Cd प्लस टू, इसे आप कैडमियम आयन कहेंगे। यकीनन आप नोट कर रहे हैं। जिंक प्लस टू, इसे आप जिंक आयन कहेंगे। प्लस टू का मतलब है ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसको दे सकता है? किसी एटम को ही। एल्युमिनियम प्लस थ्री, ये एल्युमिनियम आयन कहलाएगा। सिल्वर प्लस वन, सिल्वर आयन आयन कहलाएगा। ओरम गोल्ड थ्री प्लस, ओरम आयन कहलाएगा। और अब ये जेन में रखिएगा, आयरन की दो तरह से वैलेंसी होती हैं और हम कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन हैं। जितने भी मेटल्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी मेटल्स हैं उनमें कुछ मेटल्स नहीं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर आपके पास, याद रखिएगा, ऐसी मेटल हो जिसकी दो वैलेंसीज हो, तो कम वैलेंसी वाले के नाम के आगे ओ यू एस लग जाता है और ज्यादा वैलेंसी वाले के नाम के आगे आई सी लग जाता है। जैसे कम वैलेंसी वाले के साथ ओ यू एस लग जाता है, ये फेरस है, और ज्यादा वैलेंसी वाले के साथ आई सी लग जाता है, ये फेरिक है, डबल आर आई सी। कोबाल्ट वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखता, इसकी वैलेंसी क्या है? प्लस टू, कोबाल्ट आयन। इसी तरह मरकरी की दो वैलेंसीज होती हैं, प्लस टू और प्लस वन। ये सारी मेटल्स, याद रखेगा, ये सारी मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी रखती हैं, तो ये मर्क्यूरस कहलाएगी और ये मर्क्यूरिक कहलाएगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक आयन, आप नोट कर रहे हैं बेटा। मैगनीज प्लस टू, मैगनीज आयन, मैगनीज की वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। कॉपर की दो वैलेंसीज हैं, वन प्लस बी और टू प्लस बी। जाहिर है ये क्यूप्रस है और ये क्यूप्रिक है। क्यूप्रिक आयन, ये वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन्स हैं। इसी तरह लेड की दो वैलेंसीज हैं, एक को कहते हैं टू प्लस और दूसरे को कहते हैं फोर प्लस। एक है पोलंबस और दूसरा है पोलंबिक। ये सारे सिंपल रेडिकल हैं, दीज आर ऑल सिंपल रेडिकल्स। सिंपल रेडिकल क्या होते हैं? किसी एक एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे रेडिकल को सिंपल रेडिकल कहते हैं। दीज आर ऑल सिंपल रेडिकल्स। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल क्या है?
तो रेडिकल की डेफिनेशन का फिर जायजा लीजिए। आपको मैंने शुरू में बताया था कि रेडिकल क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पर जब चार्ज आ जाए तो इसको रेडिकल कहते हैं। डेफिनेशन क्या थी, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। तो यहां पर आपके पास रेडिकल जो दे रखे हैं, एक है NH4+1, इसको कहते हैं अमोनियम रेडिकल। एक है H3O+1, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम रेडिकल। बेटा इसमें कोई भी रेडिकल हो, सिंपल रेडिकल, आपने सिर्फ क्या करना है, उस रेडिकल का ये चार्ज मालूम करने के लिए, उस रेडिकल की सिंबल तो आपको पता ही होती है, किसी भी एटम पर चार्ज कैसे आता है, वो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है ताकि अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करे या आखिरी शेल को खाली करे। तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से उस पर जो चार्ज आएगा उसको वैलेंसी कहेंगे। और अब इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद ये ज़हन में रखिएगा, ये एटम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आयन या रेडिकल। अब अगर एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये कैटाइन है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये एनायन है। बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, हाइड्रोजन पर प्लस वन क्यों आया, क्योंकि इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन देकर प्लस वन हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस वन हो जाए। लिथियम क्या एटॉमिक नंबर 3 है, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। पोटासियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पोटासियम कहते हैं। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली देगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर चार्ज प्लस 2 आएगा। याद रखिएगा, 2+ लिखें या +2 लिखें, बात एक ही है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इन सबको 1+ कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, बाद में लिखें या पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने कैटाइंस बना लिए। ये अमोनियम रेडिकल कैसे बना या हाइड्रोनियम रेडिकल कैसे बना, इसके लिए हमें बाद में एटमों को जोड़ना, एटमों को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना सीखना होगा, और मॉलिक्यूल बनाने के बाद हम ग्रुप ऑफ एटम्स करने के बाद हम रेडिकल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये जर्नी चल रहा है, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए। इसके साथ नाम भी लिखना है, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, कैडमियम आयन, जिंक आयन, ZN, जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, सिल्वर आयन, ऑरम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट आयन, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन, मैगनीज आयन, क्यूपरस आयन, क्यूपरिक आयन, प्लम्बस आयन, प्लम्बिक आयन, और कंपाउंड रेडिकल मैंने आपको सिर्फ 2 ही दिए। वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है, इसके लिए आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना होंगे, डोंट वरी। बेशतर मेटल्स की एक से ज्यादा वैलेंसीज होती हैं, क्यों होती हैं, इस क्यों को सीखने के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ता है, और यही तो आपको एजुकेटेड बनाता है। जेन में सवाल उठते हैं, उनका जवाब फौरी तौर पर अक्सर नहीं मिलता, एक्सपीरियंस के बाद मिलता है या फर्दर नॉलेज के बाद उनका आंसर मिलता है। जेन में सवाल रखिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो।
अगर आपके जेन में रहा तो ये अहम है, और अगर आपके जेन में नहीं रहा, आपने सवाल किया है कि आयरन की दो वैलेंसीज क्यों होती हैं, प्लस टू और प्लस थ्री क्यों होती हैं, सवाल जेन में रखिएगा, अहम सवाल है। शाबाश। रेडिकल की सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, रेडिकल की सेकंड टाइप को एनाइन कहते हैं। एनाइन ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और याद रखिएगा एनाइंस भी दो तरह के होते हैं, एनाइंस भी दो तरह के होते हैं, सिंपल एनाइंस और कंपाउंड एनाइन। सिंपल एनाइन ऐसे एनाइन होते हैं जिनमें एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कंपाउंड एनाइन ऐसे एनाइन होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर आपने नंबर वन एच वन माइनस, इसको बोलेंगे हाइड्राइड। नंबर टू एफ माइनस वन, इसे बोलेंगे फ्लोराइड। नंबर थ्री सी एल माइनस वन, इसे बोलेंगे क्लोराइड। अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। बी आर माइनस वन, मैं इसे इस तरह लिखूं या इसे वन माइनस लिखूं, बात एक ही है, याद रखिएगा। बी आर माइनस वन इसको कहेंगे ब्रोमाइड। आई माइनस वन, इसे बोलेंगे आयोडाइड। ओ माइनस टू, इसे बोलेंगे ऑक्साइड। एस माइनस टू, इसे बोलेंगे सल्फाइड। एन माइनस थ्री, इसे बोलेंगे नाइट्राइड। नंबर नाइन सी माइनस फोर, इसे बोलेंगे कार्बाइड। पी माइनस थ्री, इसे बोलेंगे फास्फाइड। आप जानते हैं फास्फोरस की वैलेंसी माइनस थ्री क्यों है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पहले सोचिए क्या है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, यहां पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ये तीन इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह इसका चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस थ्री। ये सारे सिंपल रेडिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। आइए अब हम कंपाउंड रेडिकल्स देखते हैं, इसके क्या क्या हैं जो आपको याद करने हैं। कंपाउंड रेडिकल्स, कंपाउंड एनाइंस, बात हो रही है एनाइंस की, तो याद रखिएगा सिंपल रेडिकल होते हैं, एक एटम पर अगर चार्ज आ जाए तो ये सिंपल रेडिकल है, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर कोई चार्ज आ जाए तो ये कंपाउंड रेडिकल। द एटम हैविंग एनी चार्ज इज अ सिंपल रेडिकल, एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एनी चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल। बहुत सारे कंपाउंड एनाइन हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड कैसे बना, मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं मॉलिक्यूल बनाना सिखाऊंगा तो उसके साथ मैं आपको कंपाउंड रेडिकल्स भी सिखाऊंगा। 12 कार्बोनेट, CO3 माइनस टू या टू माइनस, और याद रखिएगा इसके साथ अगर एच लग जाए तो इसकी वैलेंसी कम होके माइनस वन हो जाती है, और इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। नंबर 14 SO4 यानी सल्फेट, और अगर इसके साथ एच लग जाए तो इसे बोलते हैं बाय सल्फेट। SO4 माइनस वन, NO3 माइनस वन, इसे बोलेंगे नाइट्रेट। 16 NO2 माइनस वन, आपको हैरत हो रही होगी, NO3 माइनस वन है नाइट्रेट, और NO2 माइनस वन है नाइट्राइट, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नंबर 17 AlO2 माइनस वन, इसे कहते हैं एल्यूमिनेट। 18 CN माइनस वन, इसे बोलते हैं साइनाइड, जो जहर में होता है। 19 ClO3 माइनस वन, इसे कहते हैं क्लोरेट, याद कर लीजिएगा। और 20 MnO4 माइनस वन, इसे बोलते हैं पर मैग्नेट। 21 CH3 COO माइनस वन, इसे बोलते हैं एसीटेट। और HCOO माइनस वन, इसे बोलते हैं फार्मेट। ये आपके पास 22 एनाइन हैं। अगर आपको कैटाइन और एनाइन अच्छी तरह से याद हो जाएं, तो आप बड़ी आसानी के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन सीख लेते हैं।
यकीनन आपने नोट कर लिया होगा बेटा, आज याद करने वाला काम इस कदर ज्यादा है कि आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आपने करना कैसे याद है। ये लिस्ट लिखिए और किसी को पकड़ा दीजिए याद करने के बाद कि आपसे वो रेडिकल फार्मूले सुने, किसी को सुनाइए रेडिकल फार्मूले। जैसे हाइड्राइड का रेडिकल फार्मूला है H-1, फ्लोराइड का रेडिकल फार्मूला है F-1, क्लोराइड का रेडिकल फार्मूला है Cl-1। क्यों ऐसा है? फ्लोराइड का रेडिकल फार्मूला जरा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन डिस्कस हो चुका है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन। जाहिर है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि अपने एल शेल को मुकम्मल कर सके, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका चार्ज -1 हो जाएगा। आज तो हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो आपको याद करना है, आज मैंने आपको याद करने वाला काम ही देना है। अगला पीरियड जो है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन पर होगा और उससे अगले पीरियड में मैं आपको इन कैटाइन और एनाइन की मदद से फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। इस तरह आपका बेसिक केमिस्ट्री का पहला हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। याद रखिएगा, इससे पहले मेरे 2 वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वैलेंसी तक का कॉन्सेप्ट दिया था और वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की मदद से था। दूसरे लेक्चर में मैंने वैलेंसी और रेडिकल की बहुत प्रैक्टिस करवाई थी और आज मैं आपको रेडिकल की दोनों टाइप्स कैटाइन और एनाइन के फार्मूले दे रहा हूं। ये फार्मूले बनाना हम पहले सीख चुके हैं, जरा सा कोशिश करेंगे तो ये फार्मूले आप आराम से खुद भी बना सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो कंपाउंड रेडिकल की आई है। द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन कंपाउंड रेडिकल एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन कंपाउंड रेडिकल। सिंपल कैटाइन और सिंपल एनाइन यानी सिंपल रेडिकल तो आपने आराम से पहले सीख रखे हैं, कंपाउंड रेडिकल सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन आती हो। तो बेटा अगले पीरियड में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैंने आपको आज ही मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करवा दिया तो ये याद किए बगैर उसे करना बहुत मुश्किल है। आज आपको ये बैठ के याद करना है। 20 और 22 ये कितने हैं? 42 फार्मूले हैं रेडिकल फार्मूले, ये आपको समझ के याद करने हैं। बेटा आप बताओ याद कर सकते हो? याद किए बगैर अगर मेरी क्लास में आप कल आते हैं तो यकीन कीजिए बहुत बुरी बात है, इंतहा की बुरी बात है। इसको फेयर करने के बाद याद कर लीजिए और याद करने के साथ साथ किसी को सुनाइए। बेटा अगर आपने कुछ करना है तो ये याद किए बगैर कल क्लास में मत आइएगा, क्योंकि जितने भी हवनक बच्चे होते हैं ना वो याद किए बगैर अगली क्लास में मुंह उठा के चले आते हैं और फिर वो कहते हैं मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। तो बेटा समझ तो आएगा ही नहीं। आप जानते हैं मैंने आपको कितना ज्यादा रिवाइज करवाया है केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो केमिस्ट्री पढ़ना ही नामुमकिन है। चैप्टर 1 मेरा वीडियो लेक्चर में मौजूद है, वो अटेंड कर लीजिएगा, वक्त मिला तो मैं आपको चैप्टर 1 लाजमी करवाऊंगा। जाहिर है मैं बेसिक केमिस्ट्री पूरी करवाने के बाद आपकी केमिस्ट्री शुरू करवाता हूँ। उम्मीद रखूं बेटा जी याद कर लोगे, घबराना नहीं। अगर आप हार्ड वर्कर हो, आप वक्त पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो बेटा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत। थैंक यू बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं याद रखिएगा, आपने केमिस्ट्री सीखी, व्हाट इज केमिस्ट्री, आपने मैटर सीखा, आपने प्योर और इम्प्योर मैटर में फर्क सीखा। आपको पता है कि प्योर मैटर या तो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एटम कहलाता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। आपने एलिमेंट की सिंबल्स याद की। अगर याद नहीं की तो आपने केमिस्ट्री नहीं सीखनी। एलिमेंट्स की सिंबल्स याद करने के 3 टेबल थे, सिंगल लेटर सिंबल, डबल लेटर सिंबल्स और लैटिन नेम सिंबल्स। इसके अलावा पीरियडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स की सिंबल्स भी याद की और पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद किए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर
याद करने का फायदा आपको ये हुआ कि आपको एटम के स्ट्रक्चर का सही अंदाजा हो गया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कितने होते हैं फाइंड करना आपने सीख लिए, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन सीखी तो आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस नंबर क्या है और वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। जब आपने वैलेंसी फाइंड कर ली तो आपने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से उस एटम पर चार्ज आ गया, चार्ज समेत वो एटम अब एटम नहीं रहा, वो आयन हो गया, रेडिकल हो गया, तो आपने रेडिकल फार्मूले बनाना सीखे। आपको मैंने बताया कि रेडिकल दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन, चार्ज के लिहाज से, और एटम्स के लिहाज से भी दो तरह के होते हैं, सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल, और वो बाकायदा टेबल आपने सीखा सीखा याद है सीखा और वो आपने टेबल याद कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, याद होगा लास्ट पीरियड में, तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले याद रखिएगा मॉलिक्यूल क्या होता है, नोट करते जाइए क्विकली बेटा क्विकली। यकीनन आपके पास बॉल पॉइंट नहीं होगा, यूज करना गंदे बच्चे यूज करते हैं, मार्कर और फाउंटेन पेन होगा और आप फेयर रजिस्टर पर नोट कर रहे होंगे या रफ पर नोट करने के बाद फेयर पर उतार रहे होंगे। द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इज अ मॉलिक्यूल, द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स, द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ एटमों की कंबिनेशन को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की ये डेफिनेशन है, आपने नोट कर ली होगी, क्विक चलना है बेटा। द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल की टाइप्स तीन होती हैं। नंबर वन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जगह छोड़ के यहां लिख रहा हूं, नंबर टू होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और नंबर थ्री हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन आपने जगह छोड़ के नहीं लिखना, आपने नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ऊपर नीचे लिख देना है। अब आप हेडिंग डालिएगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर वन, तीनों नाम लिखने के बाद ऊपर नीचे नंबर वन हेडिंग डालिएगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिएगा इसमें वो एटम शामिल होते हैं जिन्हें किसी भी तरह से अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन लिख ली बेटा आपने, नंबर वन हीलियम 2-4 एटॉमिक नंबर टू जाहिर करता है कि इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन हैं और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए तो इसके न्यूक्लियस में 4-2 दो न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन जो है वो दो हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, नॉट नेगेटिव। और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। याद रखिए ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल कर देंगे, इस सेल का नाम है के सेल और के सेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस रूल को कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। के सेल कंटेन्स मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर है इसे इसका ये शेल कंप्लीट है, ये किसी और एटम से ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अकेला रहेगा, खड़ूस एटम कहलाता है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर टू नियॉन 1020, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर देखिए एटॉमिक नंबर, के शेल में पहले न्यूक्लियस बनाया, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है,
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन बनाइए। इसका के शेल कंप्लीट तो था ही, एल भी कंप्लीट है, यानी एल शेल इज नॉट वैलेंस शेल। तो आप याद रखिएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल की पाबंदी करता है, जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, जिसे रेडिकल बनाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह नंबर थ्री आर्गन है 18, 14। जरा देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8। ये भी ऑक्टेट रूल की पाबंदी कर रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आर्गन भी सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, रेडॉन है, ये सारे एटम्स हैं, नोबल गैसेस में पाए जाते हैं, ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं, और इनका ताल्लुक पीरियडिक टेबल के ग्रुप 8A से है। ये तो थे आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोट कर रहे हो बेटा, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक एटम हो, और ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान है, इनका ताल्लुक ग्रुप 8A से है। नंबर टू, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटमों से मिलकर बने हों, द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर एटम्स, द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर एटम आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलर एटम्स एक जैसे एटमों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मिलने से, क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से, ब्रोमीन और ब्रोमीन के मिलने से, फ्लोरीन और फ्लोरीन के मिलने से, आयोडीन और आयोडीन के मिलने से, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनकी तादाद 7 है, 7। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। एक चीज याद रखिएगा, इन 7 मॉलिक्यूल्स को जब भी आप लिखेंगे अकेला नहीं लिखेंगे, H हाइड्रोजन जब भी लिखेंगे H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, O जब भी लिखेंगे O2 लिखेंगे, Cl जब भी लिखेंगे Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप गौर कीजिएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लिहाजा ये अपने जैसे हाइड्रोजन एटम से फट से मिलेगा, फट से अपने जैसे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं ये उस हाइड्रोजन का बना रहा हूं, इस तरह क्या होगा, इसका जो काला काला इलेक्ट्रॉन है उसके गोरे गोरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबिनेशन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसका भी होगा और इसका भी होगा, जितनी पावर से इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ये खींचेगा उतनी पावर से वो भी अपने तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉनिक पेयर को 2 एटमों से मिलने से मॉलिक्यूल बनता है ना, 2 एटमों के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को कोई एटम जिस पावर से खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, बाद में जाकर पढ़ेंगे। आइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है और मास नंबर 16 होता है, पता है आपको। ऑक्सीजन का पहले न्यूक्लियस बनाइए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके पास देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 करने हैं इसके। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन यहां बनाए हैं 2,
ये दूर दूर दिखाए हैं, वो दूर दूर दिखाए हैं। और यहां देखिएगा मैंने इसके दो दो चार दो छह, यहां के इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए या कोई भी दो इस पेयर को नहीं दिखाना। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में छह इलेक्ट्रॉन। ये अपने जैसे ही ऑक्सीजन को करीब बुलाएगा, उसके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये मैं गोरे गोरे बना रहा हूं गोरे गोरे, और उसके पास भी यहां एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जिसे आप लोन पेयर कहते थे, यहां भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जिसे आप लोन पेयर कहते हो। और ये तो टू और फोर सिक्स हुए, क्या करेगा ये उसके एक इलेक्ट्रॉन को, ये मैं दिखा रहा हूं व्हाइट कलर में, देखें इसका इलेक्ट्रॉन काला काला है, देखें मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, और इसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन ये व्हाइट कलर का है, बड़ा करके दिखा रहा हूं, और इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इस तरह है। उसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे और दो पेयर बनेंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पास के शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में कितने हो गए, तो कितने हो गए, इसके कितने थे पहले सोचिए, इसके यहां दो दो चार दो छह थे, ब्लैक कलर में देखिएगा, और दो इलेक्ट्रॉन इसने उससे लिए, तो इसका ये एल शेल मुकम्मल हो गया, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उधर और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर, और इक्वल पावर के साथ अट्रैक्ट होगा। इस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और इस पेयर को या इस पेयर को शेयर्ड पेयर कहते हैं। ये इसका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है। याद रखिएगा आप इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी सीख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन के के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, वो दिखाने की जरूरत नहीं, ओ लिखिए, और उसके एल शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने छह इलेक्ट्रॉन दिखाए। देखिए ये ऑक्सीजन का ओ बनाया, के शेल दिखाने की जरूरत नहीं, बस डॉट बना दिए कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक और ऑक्सीजन बनाइए और उसके इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से जाहिर कीजिए, क्रॉस से, के शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, जो कंप्लीट शेल है वो नहीं दिखाना, जो इनकम्प्लीट शेल है वो दिखाना है। अब जाहिर है इसका एक पेयर ये बनेगा, एक डॉट एंड क्रॉस और एक डॉट एंड क्रॉस पेयर ये बनेगा, नजर आ रहा है बेटा। इसी तरह हाइड्रोजन एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन एटम है वो इसके करीब आएगा, उसके के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसे क्रॉस से जाहिर कर रहा हूं, तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, दैट इज डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 है और एटॉमिक मास 14 है। इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके एल शेल में 2+5=7 होता है, इसके यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। आप इस तरह एक पेयर यहां दिखा दीजिए और तीन इलेक्ट्रॉन इसके जरा फासले से दिखा दीजिए, ऐसे एक और नाइट्रोजन को ये अपने करीब बुलाएगा, दायरा सही बनाना है। उसके के शेल में भी ये के शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है, आइए मैं उसको रेड से दिखा देता हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये रेड से और ये भी रेड से, और उसके यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैंने रेड से दिखा दिए, और उसके यहां याद रखिएगा यहां पर उसके इलेक्ट्रॉन है, ये रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड से मैंने दिखाया है, दोनों के शेल करीब आ जाएंगे, इस तरह देखिएगा ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये दोनों एक जैसे एटम हैं, इसलिए दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी, इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक पेयर को शेयर्ड पेयर कह सकते हैं, और ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, इज इट क्लियर। आइए जरा क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाना है, तो यहां बना रहा हूं, नाइट्रोजन के पास के शेल को नहीं मेंशन करना, एल शेल में दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिए, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। एक और नाइट्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से जाहिर कर रहा हूं,
क्रॉस से, तो आपने उनके पेयर बनाने हैं, दीज आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इसे भले इस तरह ना दिखाइए, ये आपने तीन डॉट इस नाइट्रोजन के दिखाए और तीन क्रॉस इस नाइट्रोजन के दिखाए, इस तरह ये एक मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज डॉट एंड क्रॉस मॉडल, क्या रखिएगा। आइए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक जैसे एटमों से बनने वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। नंबर थ्री, फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 होता है और मास नंबर 19 होता है, ये तो आपको पता है ना, पीरियडिक टेबल से आपने याद कर रखा है। अगर नहीं याद कर रखा तो बड़े बदकिस्मत हो बेटा, होना ये चाहिए कि आपकी अम्मी आपके पीछे बैठी हूं, उनके हाथ में चप्पल हो, आपकी पूरी तवज्जो होगी, नेचुरली पूरी तवज्जो लेक्चर की तरफ होगी, आप सीख रहे होगे, नोट कर रहे होगे कि पीछे पीछे तोप चल रही है, अम्मी की जूती आनी है। और याद रखिएगा, जो अपने शौक से पढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। इंसान के पढ़ने की तीन रीजंस होती हैं। नंबर एक, फर्ज समझ के पढ़ना। नंबर टू, खौफ की वजह से पढ़ना। और नंबर थ्री, शौक की वजह से पढ़ना। फर्ज समझ के पढ़ना, पूरे खानदान में सब पढ़े लिखे हैं, अम्मा कहती हैं कि तुम जाहिल रह जाओगे, पढ़ो, तो पढ़ना फर्ज है, आप पढ़ रहे हो और हर तरीका गलत सही इस्तेमाल कर रहे हो, दिल से नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा खौफ, अगर फेल हो गया तो अब्बा से पिटूंगा, खानदान में बदनामी होगी, खौफ से पढ़ना, खौफ से आपके हवास खत्म हो जाते हैं, आप बदहवास हो जाते हो, खौफ से नहीं पढ़ा जा सकता। तीसरा होता है कि आपने कुछ बनना है, आपको जुनून है, शौक है, आपको ये पता है कि बनने के लिए नंबर वन मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, मुझे आता हो, समझ आता हो, और नंबर टू मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मुझ में सारी अच्छी क्वालिटीज मौजूद हैं, बावले ना हो आप, आपको शौक हो, तो यकीन करें आप नाइन्थ क्लास के बच्चे, अगर आपको शौक है तो आप MSc के स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, बस अम्मी की जूती का खौफ ना हो, खानदान की बातों का डर ना हो। क्यों पढ़ रहा हूं इसका पता ही ना हो, पढ़ाई फर्ज है ना, इसलिए पढ़ रहा हूं। इंसान इबादत भी तो इस तरह करता है, तो याद रखिएगा, जिसे कुछ बनना है वो अफेक्टिव मेहनत करता है, रोज के रोज सोने से पहले उसका सारा काम कंप्लीट होता है। और अगर कोई कहता है ना मुझे फलां बनने का शौक है और वो गैर जिम्मेदार है, याद रखिएगा पॉइजन है वो, जहर है वो, खुद जहर है, उसे शर्म आनी चाहिए कि वो रोज के रोज तो पढ़ नहीं सकता, किसी बड़े टारगेट को कैसे अचीव कर सकता है। तलख बात करता हूं ना। फ्लोरीन की तरफ आइए, पता नहीं कौन सा मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए, इसका पहले तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। इसके के शेल में यकीनन आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर हो गए, दीज आर लोन पेयर, और एक अकेला हुआ। अब आपने क्या करना है, एक और फ्लोरीन इसके करीब लाना है, उसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूं उसका है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर दोनों की तरफ इक्वल पावर से अट्रैक्ट होगा। इस इक्वल पावर को, इस पावर को जो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये शेयर्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा ये बॉन्ड है, बॉन्ड समद बॉन्ड नहीं, बॉन्ड चीजों को चिपकाता है, एटमों को चिपकाने वाली फोर्स भी होती है, एटम चिपकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों की मदद से, और अभी मैं आपको सिखाऊंगा अपने इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये चिपकते हैं।
इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये चिपकते हैं और इसके उस चिपकाऊ कुव्वत को, उस फोर्स को जिन्हें आपस में बाइंड करती है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। आइए क्लोरीन को देखते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल। कार्बन 5 मॉलिक्यूल आपको सिखा चुका हूं, आपने 7 मॉलिक्यूल बनाने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, अब मैं ये बना रहा हूं, ब्रोमीन और आयोडीन आपने खुद बनाने हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है, ये आपने पीरियडिक टेबल से याद किया हुआ है। इसके के शेल में एटम जरा छोटा बना रहा हूं, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और एम शेल में जाहिर है 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, आपको पता है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा ये पहली कोशिश ये करेगा कि अपने ही क्लोरीन भाई को करीब बुलाए। हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सीख रहे हैं, अपने क्लोरीन भाई को करीब बुलाए और उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में, उसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बड़े भद्दे तरीके से, और यहां उसके पास जो है के में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसका यहां है, मैं ये जरा व्हाइट कलर का बना रहा हूं। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों का पेयर बना लेंगे। अब ये याद रखिएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 थे 8 हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 थे 8 हो गए, दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। याद रखिएगा इस बात को, उल्लू सीधा कर लिया मुहावरा है, दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल कर लिए। यहां देखिए फ्लोरीन ने भी अपने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल कर लिए, है ना, 7 थे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और 8 8 हो गए। यहां भी देखिए नाइट्रोजन को गौर से देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 थे, इसके पास भी 5 थे, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यानी उसने इसके पास एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसके 5 इलेक्ट्रॉन इन्वाइट किए, दोनों करीब आए और अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन, ये काले काले 3 इलेक्ट्रॉन और उसके 3 इलेक्ट्रॉन उसके 3 इलेक्ट्रॉन कौन से, ये रेड कलर के, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो 3 बॉन्ड बना दिए। 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए, एक शेयर्ड पेयर एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड समद बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, आगे चल के हम सीखेंगे। तो याद रखिएगा जब एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं तो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, ऑक्सीजन जो मैंने बताया था 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा था, नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, एक जैसे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन या 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक जैसे एटम, सिमिलर एटम से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। आइए अब तीसरी टाइप देखते हैं, काश आप नोट कर रहे हो, बना रहे हो, होमवर्क आपको पता है ना, 2 मॉलिक्यूल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। आइए अब हम बनाते हैं तीसरी टाइप, और तीसरी टाइप का नाम है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द combination of 2 or more different atoms is called heteroatomic molecule. The molecule which is formed by the combination of 2 or more different atoms is called heteroatomic molecule. Or homo kya tha? The molecule which is formed by the combination of 2 or more similar atoms. सिमिलर एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है वो हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो ये का मतलब वन, एक एटम का मॉलिक्यूल, क्रूस मॉलिक्यूल, एटम भी है मॉलिक्यूल भी है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन नोट कर लिया आपने, तो आप इसकी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल्स
HCl, H2O, CO, CO2, NaCl, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं खालिस रहिए, जिम्मेदार रहिए, रात को सोने से पहले सारा काम कंप्लीट करके। अगर आपने बड़ा टारगेट कोई चूज कर रखा है, जैसे एक बच्चे ने कहा है उसने बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो बेटा याद रखिएगा इंतहाई जिम्मेदार ही बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है। अब अगर आप क्लास तो अटेंड करते हो लेकिन आप पढ़ते ना हो, घर में आपका रजिस्टर मेंटेन नहीं है, आपको चीज याद नहीं है, तो आप जो भी बोल रहे हैं ना मजाक बनेगा। और ऐसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। जब नए नए बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं तो बड़े एम्बिशियस होते हैं लेकिन झूठे एम्बिशियस होते हैं, शो करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, शो करते हैं मेहनत नहीं करते। तो पता चलता है कि बस ये ख्वाब देखते हैं, अमल नहीं करते। मैंने 8 मॉलिक्यूल्स यहां लिखे हैं, हर एक का स्ट्रक्चर देखना है। देखिए HCl, कुछ होमवर्क दूंगा, HCl मॉलिक्यूल, एक मुहावरा बोला था उल्लू सीधा करना, उस मुहावरे को मैंने कहा था याद रखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दायरे बनाने का ख्याल नहीं करूंगा। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर याद है ना क्लोरीन का आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो 17 होंगे ना। ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा। अब सोचिए बेचारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है क्योंकि इसके केशल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम सीख चुके हैं। चुनांचे ये क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो क्लोरीन तो ताकतवर है, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो लेने वाला है, देने वाला नहीं है। ये उसे लेना चाहेगा वो नहीं देगा, वो ताकतवर है, पकड़ के गुरेबान से पकड़ के घसीट लेगा अपने पास और इसे बोलेगा चल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेरा जो गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन है ये तेरे काले काले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, मेरा भी उल्लू सीधा हो जाएगा, तेरा भी उल्लू सीधा हो जाएगा, तेरा भी आखिरी शेल जो पहला शेल ही तो है, तेरा भी आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा और मेरा भी आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा। गौर कीजिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया ना, दोनों के इसने ड्यूप्लेट रूल ड्यूप्लेट स्टेट अचीव कर ली, उसने ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टा का मतलब होता है 8, उसने ऑक्टेट स्टेट अचीव कर ली, इसने ड्यूप्लेट रूल की पाबंदी कर ली, उसने ऑक्टेट रूल की पाबंदी कर ली। आप ज़हन में रखिएगा, दिस शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ये समद बॉन्ड की तरह का केमिकल बॉन्ड है। अब मुझे कोई ये बताए कि इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर पावर कौन ज्यादा लगाएगा, हाइड्रोजन या क्लोरीन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बच्चे ने कहा है हाइड्रोजन, अब सारे बोलेंगे क्लोरीन। बेटा बड़ी बदकिस्मती है, या तो आप तवज्जो से अटेंड ही नहीं कर रहे या आप रेगुलर पढ़ने के आदी नहीं हो। हाँ रेगुलर पढ़ने के आदी नहीं हो, बड़े बदकिस्मत हो बेटा। इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर ज्यादा पावर किसकी होगी, ये देखिए मैं डबल करके बना रहा हूं, ज्यादा पावर किसकी होगी, किसकी होगी, क्यों होगी? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो ऑप्शन होता है ना, दे भी सकता है ले भी सकता है, लेकिन लालची इतना है कि इसका जोड़ा बन रहा है तो ये चिपकू हो जाएगा, चिपकू, यकीनन पतंग उड़ाई होगी। एक बार मैं छत पर देख रहा था, पतंगें उड़ रही थी,
एक बड़ी पतंग मेरे छत के पीछे कहीं से उड़ती हुई आ रही थी, और आगे एक छोटी सी किसी ने हैंडमेड पतंग बनाई थी, प्लास्टिक की पन्नी की पतंग, लंबी सी दुम लगा के, और बेचारा धागे से या सदी से उड़ा रहा था, डर डर के उड़ा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके उड़ा रहा था, और वो पीछे वाली बड़ी पतंग बार बार झुकाई देके उसे पेच डराना चाहती थी। हुआ आखिरकार, ये नीचे गिरा था, वो बार बार, ये घंटा भर तमाशा चलता रहा। ये छोटा सा बच्चा हाथ की बनी पतंग उड़ा रहा था, वो कोई बड़ा था। आखिरकार उसने झुकाई मार के नीचे से इसकी पतंग को ऊपर उठा लिया, और ये इतना हवास भागता हुआ कि इसने हाथ से सद्दी छोड़ दी कि पतंग ना कटे। वो ऊपर उड़ती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, कटी नहीं। अच्छा, वो बल खा के उसके साथ लिपट गई। बेचारा पीछे बड़ी पतंग वाला इस चिपकू पतंग के साथ जोर जोर से, जोर जोर से आड़ी मारे जा रहा है। आड़ी मारना जानते हो ना, अगर पतंग उड़ाई है, जोर से कोशिश कर रहा है, ना ये कट रही है ना जान छूट रही है। चिपकू पतंग, ये चिपकू पतंग है, वो इसे पाँव से पकड़ पकड़ के जोर लगाएगा, हट भैया हट जा किसी तरह से। ये नहीं हटेगा, इसका उल्लू सीधा हो गया, इसका केशल मुकम्मल हो गया। बात समझ आ रही है बेटा? आइए एक और मॉलिक्यूल चेक करते हैं, और वो NaCl मॉलिक्यूल। अच्छा, आपने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं एटम्स की मदद से। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद है आप सीख लोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। देखिए, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फटाफट बनाते रहिए, शाबाश। और इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 1, 11 हो गए। ये सोडियम है। आपको पता है सोडियम की वैलेंसी क्या थी? +1 थी, और ये कैटाइन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और क्लोरीन की वैलेंसी -1 थी, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैं यहां क्लोरीन बनाने जा रहा हूं, ये मैंने क्लोरीन बनाया, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिल नहीं कर रहा, मैंने गोरे गोरे इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर टोटल क्या था? 17 था। और इसका एटॉमिक नंबर टोटल क्या था? 11 था। इसका 17 था, इसका मास नंबर 35 था, और इसका मास नंबर आप जानते हैं 23। मास नंबर की हमें इतनी जरूरत नहीं होती जितनी हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है, क्योंकि उससे वैलेंसी बनती है। इसके बाद इसके पास एक और एक शेल है, और उस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। टोटल 17 करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, 6 बना दिए, 7वां ये है जिसे मैं गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। अब मुझे ये बताइए, प्लीज आप मुझे बताइए, ये तो सोडियम है और ये क्लोरीन है, आप जानते हैं देने वाले रेडिकल का नाम नहीं बदलता, लेने वाले का नाम बदलता है। जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लेने वाला है, लेकिन ये तो चिपकू है, और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड लेने वाला एनाइन होता है, देने वाला कैटाइन होता है, हम सीख चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्यादा पावर के साथ किसकी तरफ रहेगा? क्लोरीन की तरफ रहेगा। और बहुत थोड़ी झूठे दिल के साथ, जैसे कई बच्चे झूठे दिल के साथ पढ़ते हैं, झूठे दिल के साथ इसकी ये उसे अपनी तरफ करेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका उल्लू सीधा नहीं हो रहा। इसके एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये देना चाहता है, और उसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, KLM, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन करीब लाएगा और उसका उसका आखिरी शेल कंप्लीट कर देगा। इसको परवाह नहीं इसका आखिरी शेल कंप्लीट होता है कि नहीं। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो देना चाहता है उसके बदले उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी। क्लोरीन इसको एनर्जी देता रहेगा। याद रखिएगा, जब दोनों शेल, दोनों एटम के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हो,
जब दोनों एटम के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हो तो इस तरह जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हो, अब सोचिए आपका ये जो मैंने सिखाया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सात सिखाए थे, उन सातों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक जैसे दो दो एटम मिल रहे थे और दोनों एटम्स का आखिरी शेल मुकम्मल हो रहा था, तो दोनों एटम्स के आखिरी शेल में जो शेयर्ड पेयर थे उन शेयर्ड पेयर को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम्स हैं, इनके इस शेयर्ड पेयर को ये जो जोड़ने में मदद कर रहा है, मददगार शेयर्ड पेयर है, इसको कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड और दोनों का उल्लू सीधा हो रहा है, और इसमें देखिएगा इसका उल्लू सीधा नहीं हो रहा तो ये दिस इज नॉट शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर नहीं है। शेयर्ड पेयर उसे कहते हैं जो दोनों एटमों के आखिरी शेल को मुकम्मल करने में मदद दे, जैसे के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये शेयर्ड पेयर के शेल के दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, और इसके एम शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये मदद कर रहा है शेयर्ड पेयर उसके आठ इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई इससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो ये बोलेगा मेरे के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, हालांकि अपना एक है, एक उसका लिया हुआ है, और उससे पूछे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, के में दो, एल में आठ, और एम में सात की बजाय बोलेगा आठ है, क्योंकि लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसका लिया हुआ। दोनों के आखिरी शेल मुकम्मल हो गए हैं। याद रखिएगा एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाने की फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड की दो किस्में होती हैं। अगर आयंस के दरमियान हो, दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन, अगर आयंस के दरमियान हो और एक एटम का आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल ना हो रहा हो और दूसरे का आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो रहा हो, तो ऐसे इस पेयर को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये अपोजिट आयंस के दरमियान है। हम बेसिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। इस पेयर को एटम जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस पावर से खींच रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक चीज समझ आ गई कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में चूंकि दोनों एटम एक जैसे होते हैं, इसलिए दोनों एटम्स की उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स है वो सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी, दोनों की पावर इक्वल होगी। और डिफरेंट एटम्स में याद रखिएगा डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की किसी एटम की जो पावर है, डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक पेयर को किसी एटम की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो डिफरेंट होती है। इसकी पावर क्लोरीन की ज्यादा है और इसकी पावर क्या है, कम है, ये चिपकू हाइड्रोजन है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, उसे चिपका रहेगा। ये सोडियम नहीं चाहेगा उसके साथ चिपकना, लेकिन मजबूरन चिपका हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ये बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, ये वो कमजोर है। हैरत की बात, ये आयंस के दरमियान है और वो आयंस के दरमियान नहीं है। जब दोनों एटम्स के आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर, और जब दोनों एटम्स के आखिरी शेल में से किसी एक एटम का आखिरी शेल मुकम्मल हो रहा हो तो जो देने वाला है जिसका मुकम्मल नहीं होता, जैसे सोडियम का मुकम्मल नहीं होता, वो पॉजिटिव आयन हो जाता है और दूसरे वाला नेगेटिव आयन हो जाता है। याद रखिएगा ये भी पॉजिटिव आयन है लेकिन ये पार्शली पॉजिटिव है और वो पार्शली नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, ये टोटली पॉजिटिव और वो टोटली नेगेटिव। सोचना है, सोचना है। आइए जरा मिटा दूं, मैंने आपको ये सिखा दिया, ये सिखा दिया है, आइए मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल सिखाता हूं। नंबर थ्री, H2O मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम्स के दरमियान, डिफरेंट एटम्स की वजह से बनने वाला मॉलिक्यूल हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल।
इसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड सिखाऊंगा। गौर कीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां डाल दीजिए, 2 यहां डाल दीजिए, 1 यहां रख लीजिए, 1 यहां रख लीजिए। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना एल शेल मुकम्मल करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको पता है? बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़ी प्रैक्टिस की। ये ऑक्सीजन है, इसके पास के शेल में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चुनांचे हाइड्रोजन साहब इसके पास आएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा। हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और यहां भी हाइड्रोजन का मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 काले, 2 गोरे, कितने? 8। एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये बना और एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये बना। ऑक्सीजन के सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर पावर किसकी ज्यादा लगेगी और किसकी कम लगेगी? बना रहा हूं, किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम? याद रखिएगा, ये भी और ये भी पेयर क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है, और आपने मुझे बताना है ये कौन सा बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड है या ये कोवलेंट बॉन्ड है? इस तरह आपके पास HHO H2O मॉलिक्यूल बन गया। आइए जरा अगला मॉलिक्यूल बनाते हैं, नंबर 4, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस याद रखिएगा, अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद है, मैग्नीशियम इज कैटाइन एंड ऑक्सीजन इज एनाइन। अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद है, ऑक्सीजन का तो सबको पता है, जो बावले हैं उनको नहीं पता। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मैं यहां बना रहा हूं काले काले इसके इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन मैंने बनाया। आइए अब मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, आपको याद होगा तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8। तो मैग्नीशियम का यहां एटम बनाइए, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गए, और ये बना रहा हूं उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइट कलर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? हम सीख चुके नहीं ले सकते। चुनांची ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर कब्जा कर लेगा। इसका आखिरी शेल मुकम्मल नहीं हो सका, उसका आखिरी शेल मुकम्मल हो गया। बताइए इन शेयर्ड पेयर्स को कौन सा बॉन्ड को हो गए? पहले वाला जो मैंने पूछा था, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, वो था कोवलेंट बॉन्ड। शाबाश, पानी के अंदर जो बॉन्ड बनता है उस शेयर्ड पेयर को कहते हैं बॉन्ड, और इसको शेयर्ड पेयर नहीं कहते। शेयर्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो या सेम एटम्स के दरमियान हो। इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जो दोनों एटम्स के आखिरी शेल को मुकम्मल करता हो, उसे शेयर्ड पेयर कहते हैं। दिस इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेयर। दीज टू इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स किसकी तरफ ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे? आप जानते हैं ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा,
ऑक्सीजन की तरफ, और जब भी वो चाहे इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर कब्जा करके छीन कर भाग जाए और उसकी वैलेंसी क्या हो जाए -2। और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। तो ये +2 मैग्नीशियम है, ये -2 ऑक्सीजन है, ये कैटाइन है, ये कैटाइन है और वो एनाइन है। इस कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स इनको आपस में जोड़े होती है, इस फोर्स को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी आप सिर्फ नाम से इंट्रोडक्शन कर रहे हो। This is not shared pair. Shared pair जो दोनों के आखिरी शेल को मुकम्मल करता। This is just electronic pair. NH3 molecule. पहले तो सोचिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इस तरह से बना रहा हूं। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एम शेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 3 हाइड्रोजन अपने साथ चिपकाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस तरह ये शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। ज्यादा फोर्स के साथ नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, कम फोर्स के साथ हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या सोडियम हाइड्राइड बन सकता है? एक और होमवर्क दे रहा हूं। क्या कैल्शियम हाइड्राइड बन सकता है? इस तरह ये 10 पूरे हो गए, मैंने अमोनिया भी करवा दिया। क्या आप ये सारे कर सकते हो? ये 10 के 10 आपने एक एक पेज पर एक बड़ा बड़ी डायग्राम के साथ बनाने हैं। एक पेज पर 2 भी बना दो, कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा फेयर काम करना। एक और होमवर्क दे रहा हूं बेटा। आपको याद है मैंने आपको कैटाइन और एनाइन के टेबल बनवाए थे। रेडिकल्स में 2 टाइप होती हैं, कैटाइन और एनाइन, और मैंने आपको कैटाइन और एनाइन में सिंपल और कंपाउंड रेडिकल के टेबल बनाए थे। वो आपने याद करने। कल मैं आपको आखिरी पीरियड ले रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री का। कल हमारी बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और परसों मैं एक जायजा ले लूंगा इसका, ठीक है ना? और उसके बाद हम इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। इसके लेक्चर को मैं YouTube पर डाल दूंगा। जो बच्चा भी अब एडमिशन लेगा वो पहले वो लेक्चर अटेंड करेगा और फिर उस पर एडमिशन दिया करेगा, ठीक है ना? तो आपने वो कैटाइन और एनाइन के टेबल याद नहीं किए तो कल आपकी बड़ी आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। प्रॉमिस करो कैटाइन और एनाइन के वो सारे 2 टेबल याद कर लोगे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए थे, जो मैंने रेडिकल बनाना आपको सिखाए थे। तमाम बच्चे प्रॉमिस करो कल याद करके आओगे, रिवाइज करके आओगे अच्छी तरह से। आयरन की 2 वैलेंसीज क्यों होती है पूछा गया है। देखो बेटा याद रखिएगा, ज्यादातर मेटल्स इनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है ना, उनमें इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, बड़ी हैरत की बात, और अंदर का शेल इनकम्प्लीट होता है। तो उनकी जो वैलेंसीज होती है वेरिएबल वैलेंसी होती है, कभी उनकी वैलेंसी 2 होती है, कभी उसकी वैलेंसी 1 होती है, +2 +1, ठीक है ना? उनकी वेरिएबल वैलेंसी। अब हमारा ऑक्सीजन ले लो, ये मेटल तो नहीं है ना, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कहीं -2 है, कहीं -1 है, कहीं -0.5 है। और इस तरह इसके जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें ऑक्साइड्स कहते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। इस तरह आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी है। और इन मेटल्स को, जैसे आयरन है, इन मेटल्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसी मेटल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश, कि Fe की 2 वैलेंसीज क्यों होती वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि इनके, क्योंकि याद रखिएगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह नहीं होती ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और इनर शेल इनकम्प्लीट होते हैं, रिलायबल नहीं होते। ये इनकी वैलेंसीज इसलिए डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे ना, अभी नहीं सेकंड ईयर में 12वीं क्लास में,
तो वहां जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो बहुत एडवांस हो जाती हैं, अभी आपको सिखाएंगे तो आपको अपनी बेसिक चीजों पर फोकस कम हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, शाबाश, ऐसे क्वेश्चन किया करो, आप यकीनन बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। ओके बेटा जी, ओके ठीक है। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अगर हो तो उसकी वैलेंसी -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, ठीक है ना। कल दोबारा क्वेश्चन करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, कल क्वेश्चन लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा जी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला, तो जल्दी से केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, शाबाश। रजिस्टर खोलिए, हेडिंग डालिए केमिकल फार्मूला की और डेफिनेशन नोट कीजिए, लिखिएगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल नेम ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको मेथड सिखाएंगे, और याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड के केमिकल नेम का अगर आपको पता हो तो ज्यादातर कंपाउंड्स के केमिकल नेम के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा कैटाइन होता है और दूसरा हिस्सा एनाइन होता है। पूरी यकीन है कि आपने कैटाइन और एनाइन की वो लिस्ट याद कर ली होगी जो मैंने पीछे से पीछे पीरियड में आपको दी थी, आपने कैटाइन भी याद कर लिए होंगे और एनाइन भी याद कर लिए होंगे। आज हमने केमिकल फार्मूला का मेथड सीखना है और ये सबसे ज्यादा अहम क्लास है, आज तक की सबसे ज्यादा अहम क्लास। तो डेफिनेशन आपने नोट कर ली, मेथड केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका। इसके लिए जरूरी है कि आपको कंपाउंड का केमिकल नेम मालूम हो। गौर कीजिएगा, अगर आपको दिया जाए सोडियम क्लोराइड तो इस नाम के दो हिस्से हैं, ये कैटाइन है और ये एनाइन है, और ये भी याद रखिएगा पहले कैटाइन बोला जाता है और बाद में एनाइन बोला जाता है। आपको सोडियम का रेडिकल फार्मूला याद होगा Na+1 और क्लोराइड का रेडिकल फार्मूला याद होगा Cl-1। अब होता क्या है कि आप इस माइनस को और इस प्लस को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ इस वन को, ये जो नंबर होता है ये चार्ज नंबर है, इस चार्ज नंबर को दोनों रेडिकल का सबस्क्रिप्ट बना देते हैं, और ये मेथड कहलाता है क्रिस क्रॉस मेथड। मेथड का नाम क्या है? क्रिस क्रॉस मेथड। तो पहला कंपाउंड हम बनाना सीख रहे हैं, आपने इस वन को यहां ले आना है और इस वन को यहां ले आना है, यानी सोडियम के नीचे भी वन लिख देना है और क्लोराइड के नीचे भी वन लिख देना है। ये भी याद रखिएगा कि आप इस वन को निग्लेक्ट कर सकते हैं और दरमियान में जो डॉट डाला है उसको भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये आपका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। नंबर टू, अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है, सोचने में मुझे क्यों वक्त लगा, क्योंकि मैंने एक कैटाइन चूज करना था और एक एनाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम का रेडिकल फार्मूला लिखेंगे और फिर नाइट्रेट NO3 का रेडिकल फार्मूला लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा कि ये जो नंबर वन है ये यहां पर इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और ये जो नंबर टू है, ये जो नंबर टू है ये यहां सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम तो सिंपल आयन है, उसके गिर उसके नीचे वन लिख सकते हैं, और नाइट्रेट जो है ये कैल्शियम जो है सिंपल रेडिकल है, लेकिन नाइट्रेट जो है वो कंपाउंड रेडिकल है, जब भी कंपाउंड रेडिकल आए उसके गिर ब्रैकेट लगाइए और फिर नंबर लिखिए। कैल्शियम का चार्ज नंबर नाइट्रेट का सबस्क्रिप्ट बन गया और नाइट्रेट का चार्ज नंबर कैल्शियम का सबस्क्रिप्ट बन गया। इस तरह आपके पास
आप चाहें तो वन ना लिखिए, डॉट मत डालिए, ये आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। नोट करें साथ साथ। नंबर थ्री, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां भी गौर कीजिएगा, मैग्नीशियम कैटाइन है और ऑक्साइड जो है वो एनाइन है। मैग्नीशियम का रेडिकल फार्मूला आपको पता है, Mg प्लस टू है लेकिन मैं टू प्लस लिख रहा हूं, और ऑक्सीजन का O माइनस टू है, मैं O टू माइनस लिख रहा हूं। आपने सिंपली इस टू को इसका सबस्क्रिप्ट बना देना है और इस टू को ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बना देना है। इस तरह मैग्नीशियम के नीचे भी टू लिख दीजिए और ऑक्सीजन के नीचे भी टू लिख दीजिए। पहले का चार्ज नंबर दूसरे का सबस्क्रिप्ट होगा और दूसरे का चार्ज नंबर पहले का सबस्क्रिप्ट होगा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि अगर दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम हो तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम हो तो आप उन्हें नहीं लिखेंगे, तो आपके पास ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। फर्ज कीजिए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो आपको कैल्शियम का रेडिकल फार्मूला याद होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड का रेडिकल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब सिर्फ ये गौर करना है कि इसमें कोई कंपाउंड रेडिकल तो नहीं है। आप जानते हैं कंपाउंड रेडिकल क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और सिंपल रेडिकल क्या होता है, द एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कैल्शियम के सिंपल रेडिकल है, कैल्शियम के गिर्द ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड का जो चार्ज नंबर है वो इसका सबस्क्रिप्ट बनाइए, लेकिन दूसरे के गिर्द ब्रैकेट बनाइए क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और पहले का चार्ज नंबर उसका सबस्क्रिप्ट बना दीजिए। तो आपके पास वन लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। अब बेटा आपने रेडिकल के दोनों टेबल्स में एक कैटाइन उठाना है और एक एनाइन उठाना है अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल आप अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम सल्फेट एक आपने उठाया कैटाइन और वो क्या है अमोनियम, और दूसरा आपने उठाया एनाइन। दोनों कैटाइन नहीं हो सकते, दोनों एनाइन नहीं हो सकते। अमोनियम का रेडिकल फार्मूला है HNH4+1 और सल्फेट का रेडिकल फार्मूला है SO4-2। इस टू को अमोनियम का सबस्क्रिप्ट बना दीजिए और इसको सल्फेट का। अब ज़हन में रखिएगा अमोनियम भी कंपाउंड रेडिकल है, इसके गिर्द ब्रैकेट बनेगी और ब्रैकेट के नीचे यहां लिखा जाएगा सेकंड का चार्ज नंबर टू। और सल्फेट भी कंपाउंड रेडिकल है और उसके गिर्द भी ब्रैकेट बनेगी और उसके सबस्क्रिप्ट में चार्ज नंबर लिखा जाएगा। अब वन भले हटा दीजिए, इस तरह आपके पास अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। अब आपने एक कैटाइन और एक एनाइन टेबल में आपके पास मौजूद है, खुद सोचना है जिंक क्लोराइड, शाबाश नाम बोलते जाइए, नंबर सिक्स जिंक क्लोराइड। जिंक का रेडिकल फार्मूला है Zn2+ और क्लोराइड का है Cl1-।
जिंक भी सिंपल रेडिकल है, इसके गिर्द ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, और क्लोराइड भी सिंपल रेडिकल है, उसके गिर्द ब्रैकेट के बनाने की जरूरत नहीं। जिंक के नीचे क्लोरीन का वैलेंस नंबर लिखेंगे, जिंक के नीचे क्लोरीन का वैलेंस, ये वन जो है क्या है, ये वन वैलेंस नंबर है, और माइनस वन जो है वो वैलेंसी है। तो जिंक के नीचे क्लोराइड का और क्लोराइड के नीचे जिंक का वैलेंस नंबर लिखेंगे। याद रखिएगा, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, वन लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह जिंक क्लोराइड का फार्मूला आपने बना दिया। नेक्स्ट बताइए, आप बोलते जाइएगा, मैं बनाता जाऊंगा। कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम का चार्ज नंबर या कैडमियम की वैलेंसी बताइए। सिंबल तो इसकी सीडी है, वैलेंसी इसकी क्या है? शाबाश, प्लस टू। और आयोडाइड की वैलेंसी क्या है? शाबाश, माइनस वन। अब कैडमियम के गिर्द ब्रैकेट बनाने की कतन जरूरत नहीं है, इसके सबस्क्रिप्ट में वैलेंस नंबर लिखिए आयोडाइड का, और आयोडाइड के सबस्क्रिप्ट पे वैलेंस नंबर लिखिए कैडमियम का। ये इसका सबस्क्रिप्ट बन गया और ये जो है कैडमियम का सबस्क्रिप्ट बन गया। वन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नाम बोलिए। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट ले लेता हूं। एल्युमिनियम की वैलेंसी है प्लस थ्री, और सल्फेट एसओ फोर की वैलेंसी है माइनस टू। एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में टू लिखना है, ब्रैकेट नहीं बनानी, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो सिंपल रेडिकल है, और सल्फेट के गिर्द ब्रैकेट बनानी है, और एल्युमिनियम का जो वैलेंस नंबर है वो उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। इस तरह ये Al2SO4 होल थ्राइस पढ़ा जाएगा। बताइए क्या ये मुश्किल काम है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये मुश्किल काम है? अगर आपको रेडिकल्स याद हों तो आप फार्मूले बड़े आराम से बना सकते हैं। कितने फार्मूले बना सकते हैं? क्या आप मैग्नीशियम हाइड्राइड का या कैल्शियम हाइड्राइड का या एल्युमिनियम हाइड्राइड का या बेरियम हाइड्राइड का फार्मूला बना सकते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे हैं कंपाउंड्स जिनके केमिकल नेम अपने कैटाइन और एनाइन की कंबिनेशन के साथ पॉपुलर नहीं हुए थे, जैसे अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला है NH3। क्यों बना? कल मैंने अमोनिया की फॉर्मेशन आपको सिखाई। देखिए, याद रखिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है प्लस वन और नाइट्रोजन की होती है माइनस थ्री। पहले कैटाइन लिखना है, फिर एनाइन। हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में नाइट्रोजन
का वैलेंस नंबर लिखा जाएगा और नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर लिखा जाएगा। अब इसको H3N कहने की बजाय ज्यादा मशहूर हो गया NH3 कहते हैं। इसी तरह वाटर कमर्शियल नेम है, वाटर का फार्मूला है H2O, एक हाइड्रोजन इसमें है और एक हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, ये वाला हाइड्रोक्साइड का वैलेंस का चार्ज नंबर, और OH के गिर्द ब्रैकेट बना के उसके सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन का चार्ज नंबर लिखेंगे। अब ये 1 हटा दीजिए और इसे 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होने की वजह से H2O लिखिए। मीथेन, इसमें कोई भी कैटाइन और एनाइन मेंशन नहीं है, इसमें कार्बन प्लस 4 है और हाइड्रोजन -1 है। कार्बन के नीचे 1 और हाइड्रोजन के नीचे 4, तो ये आपका CH4 है, इसका नेम पॉपुलर है मीथेन। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपकी ये जो नोट्स में स्कीम दे रखी है शुरू के अंदर, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूले लिखे हैं, वो फार्मूले बनाने हैं। एक तो होमवर्क ये है, दूसरा होमवर्क मैं आपको बड़ा क्लास का दे रहा हूं, वो ये है कि आप एक टेबल बनाइए, यहां लिखिए रेडिकल्स, यहां सारे कैटाइन्स लिखने हैं, H+1, Na+1, Ca+1, Al+3, Boron+3, Potassium+1, Ammonium+1, ये कैटाइन आप बना लीजिए और इसमें आपने सारे ही एनाइन लिखने हैं, H-1, OH-1, Cl-1, Br-1, Bicarbonate-1, Carbonate-2, Phosphate गाल्बन -2 है, सल्फेट -2 है, नाइट्राइड -3 है। कम से कम यहां याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने दिए हैं, कम से कम यहां पर 10 होने चाहिए, और यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिए, यहां भी 10 होने चाहिए। अब आपके पास जरा गौर कीजिएगा, इस तरह टेबल बना लेना है। आप जानते हैं ये 9 एनाइन है और ये 7 कैटाइन है, 7 9 63 कंपाउंड्स आपके इस तरह बन सकते हैं, और अगर आपने ज्यादा कैटाइन और ज्यादा एनाइन लेकर चार्ट बनाया तो आपके कंपाउंड ज्यादा बनेंगे। देखें इन दोनों को H+1 और H1- करना है, तो आप जानते हैं नंबर इंटरचेंज होने के बावजूद ये कट जाएंगे और आपके पास ये हो जाएगा H2। H+1 और OH-1 साइड वर्क करना है, ये हो जाएगा H2O। H+1 और Cl-1 करना है, ये HCl हो जाएगा। H+1 और Br-1 करना है, ये HBr हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। H+1 और ये -1 करना है, देखिए H+1 और HCO3 -1 करना है, ये नंबर इसके नीचे, ये नंबर उसके नीचे, फिर वो नंबर 1 की अहमियत कोई नहीं है, तो ये H दो H हो जाएंगे, H2CO3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आपने
एच प्लस वन और सीओ थ्री माइनस टू ले लिया तो आप जानते हैं ये टू इसके नीचे और वन उसके नीचे, तो ये हो जाएगा एच टू सीओ थ्री। ये कार्बनिक एसिड है, ये भी कार्बनिक एसिड, दो फार्मूले बन गए। इसके बाद आपने ये टू उसके नीचे करना है एच पी ओ फोर, एच टू पी ओ फोर। चेक कर लीजिएगा फास्फेट की वैलेंसी माइनस टू है या माइनस थ्री, मेरा हाल है माइनस टू है। और इसी तरह इसको और एच प्लस वन को और एसओ फोर माइनस टू को करेंगे तो ये टू इसके नीचे आ जाएगा और ये वन इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपस एच टू एसओ फोर बनेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्राइड अगर करते हैं तो एच का वन नाइट्रोजन के के सबस्क्रिप्ट में और नाइट्रोजन का चार्ज नंबर हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में, तो ये एच थ्री एन हो गया जिसे आप एन एच थ्री लिखते हो। अब अगर फर्ज कीजिए आप एल्युमिनियम की बात करते हैं, सारा हिस्सा फिल करना है, अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड करना चाहते हैं तो आप देखो एल्युमिनियम क्लोराइड करना चाहते हैं साइड वर्क करना पड़ेगा, एल्युमिनियम ये है और क्लोराइड ये है, तो आप जानते हैं वन इसके, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा, Al के नीचे वन होगा जिसे लिखने की जरूरत नहीं और Cl के सबस्क्रिप्ट में थ्री होगा। इस तरह आपने ये 100 फार्मूले बनाने हैं, ये चार्ट बनाना है। अगर आप 12 कैटाइन लेते हैं और 12 एनाइन लेते हैं तो बेटा जी 144 फार्मूले बनेंगे। अब आप में जितनी हिम्मत है उतना आप काम करेंगे। तो आज आपकी बेसिक केमिस्ट्री मुकम्मल होती है। देखो बेटा जितना बड़ा दिल है जितनी बड़ी हिम्मत है उतना काम करना है। तो आज मैंने आपको बहुत सारा काम होमवर्क दिया है, वो बच्चे बड़े बदकिस्मत हैं जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं की। तो बेटा दो काम करने हैं, पहले आपने अपनी मर्जी से कैटाइन के टेबल में से एक कैटाइन और एनाइन के टेबल में से एक एनाइन लेकर जिस तरह मैंने फार्मूले पहले बनाना आपको सिखाए हैं उस तरह कम अज कम भी 100 फार्मूले बनाने लगे रहिएगा। फिर उन 100 फार्मूलों में के बाद आपने ये लिस्ट भी बनानी है, ये उनकी एक समरी है, खुलासा है। तरीका मैंने आपको क्रिस क्रास मेथड सिखा दिया ना, आज मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं। एक तो मैंने कहा है कि अपनी मर्जी से एक कैटाइन उठाइए और एक एनाइन उठाइए और कम अज कम 100 फार्मूले बनाइए। और उसके लिए करना क्या है कि आपने एक कैटाइन का नाम देखना है, जैसे आपने कैल्शियम उठाया उधर से ऑक्सीजन उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना उधर से ऑक्साइड उठाया कैल्शियम ऑक्साइड बना, उसे जिस तरह से मैंने आपको करवाया है उस तरह से चार स्टेप्स में कर लेना है। इस तरह एक कैटाइन और एक एनाइन उठाते जाइए, नाम मिलाते जाइए, पहले कैटाइन और फिर एनाइन लिखिए और उसके फार्मूले बनाते जाइए। जितनी हिम्मत है उतने फार्मूले बना लीजिए। कम अज कम मैं कहता हूं कि आप एक कैटाइन पकड़िए और उसके साथ हर एनाइन जोड़ते जाइए, जैसे मैंने यहां बताया सोडियम के साथ हाइड्राइड जोड़िए, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़िए, सोडियम के साथ क्लोराइड जोड़िए, सोडियम के साथ ब्रोमाइड जोड़िए, सोडियम के साथ बायकार्बोनेट जोड़िए तो हो जाएगा यहाँ सोडियम बायकार्बोनेट, और सोडियम के साथ कार्बोनेट जोड़िए तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के साथ फॉस्फेट जोड़िए तो ये होगा सोडियम फॉस्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट जोड़िए तो ये होगा सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ नाइट्राइड जोड़िए तो ये होगा सोडियम नाइट्राइड। आप इसके अलावा भी रेडिकल ले सकते हो, ये तो मैं 9 लिए हैं, नाइट्राइड के बाद नाइट्राइट भी लीजिए, NO2 -1 NO2।
नाइट्राइट भी लीजिए और उसके बाद आपने करना क्या है, नाइट्रेट NO3 भी लेना है। तो कम से कम ये 10 कैटाइन रखिए, हिम्मत है तो 12 ले लीजिए, और 10 एनाइन के लिए हिम्मत है तो 12-15 वो ले लीजिए, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जो डरता है वो मरता है। काम कम करोगे मुसीबतें ज्यादा आएंगी, काम ज्यादा करोगे मुसीबतें कम आएंगी। ये जिंदगी का असूल है। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।